देखो बात ये कि HTML का जो कोड है, ये गौर से सुन लो ये बात, और ये भूलने वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं। जब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो फिर आगे की चीज़ें समझ में नहीं आती, मुश्किल होती है। HTML का जो कोड है वो ब्राउज़र पे डायरेक्टली नहीं चल सकता है, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। HTML का जो कोड है वो ब्राउज़र पे नहीं चल सकता। तो जब HTML जब रन होता है तो उसका प्रोसेस क्या होता है कि उस HTML को जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट किया जाता है, उसके बाद वो रन होने के काबिल होता है। ठीक है, HTML, देखो HTML अगर किसी को इंटरचेंज लैंग्वेजेस का पता है तो HTML दरअसल XML है। इंटरचेंज जैसे जेसन होता है ना, जेसन की तरह की एक लैंग्वेज होती थी XML, असल में HTML तो XML है। तो वो प्रोसेसर को क्या पता कि XML क्या चीज़ होती है, प्रोसेसर तो समझता है बाइनरी, ठीक है, या एटलीस्ट जावास्क्रिप्ट हाई लेवल पर। तो HTML का कोड प्रोसेसर पे या ब्राउज़र पे डायरेक्ट नहीं चल सकता, उसको जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया जाता है, और जब उसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है तो वो क्या कहलाता है, वो डॉम कहलाता है। अच्छा, डॉम जो है वो एक प्लान है, एक प्रोसेस है, एक तरीका है, एक अप्रोच है उसको कन्वर्ट करने का। अब जाहिर है कन्वर्ट करें तो कैसे करें, तो कन्वर्ट उसको फिर ट्री स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि वो पहले से ही ट्री स्ट्रक्चर में होता है। अब ट्री स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसके अंदर चाइल्ड होते हैं, फिर उसके अंदर कोई ना कोई पेरेंट होता है, फिर उस चाइल्ड के अंदर नॉड्स होते हैं। ये सारी चीज़ें अब उस अप्रोच का पार्ट है जो हम थोड़ा थोड़ा करके डिस्कवर करेंगे कि डॉम जो है ना वो पूरा प्लान असल में है क्या। ठीक है, अच्छा, जब हमें ये पता चल जाता है कि अब वो चीज़ डॉम है तो हम क्या करते हैं उसको, जब जावास्क्रिप्ट में गेट करते हैं, जब जावास्क्रिप्ट के कोड में खड़े होके मुझे कोई एलिमेंट गेट करना होता है, तो जब मैं उसको गेट करता हूँ तो वो किस फॉर्म में मिलता है मुझे, ऑब्जेक्ट की फॉर्म में मिलता है। डॉट वैल्यू, डॉट वैल्यू तो ऑब्जेक्ट पे ही लगती है ना। ठीक है, मैं एक इनपुट बॉक्स को उठाता हूँ, मैं कहता हूँ गेट एलिमेंट बाई आईडी, वो इनपुट बॉक्स पूरा आ जाता है, फिर मैं कहता हूँ डॉट वैल्यू, तो डॉट वैल्यू तो ऑब्जेक्ट पे लगती है, तो इसका मतलब है ये क्या गेट किया मैंने, ये मैंने ऑब्जेक्ट गेट किया, ये डॉम का एक ऑब्जेक्ट गेट किया मैंने, डॉम डॉम पूरे पूरा पेज जो है ना मेरा वो डॉम है। डॉक्यूमेंट जो है, इसमें डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है, पूरा HTML का डॉक्यूमेंट, ठीक है, जिसमें बॉडी हेड वगैरह सब शामिल है। ठीक है, और उस डॉक्यूमेंट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया गया है। और मॉडल, मॉडल किसको कहते हैं कि कोई चीज़ एक प्लान होता है उसके अकॉर्डिंग फिर आगे का काम होता है, जैसे गाड़ी होती है ना उसका एक मॉडल होता है, जब असली गाड़ी बनती है तो उससे पहले उसका एक मॉडल तैयार होता है। ठीक है, कि भाई ऐसी होगी। अब जब ये कोई नया रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट शुरू होता है, उसके ऑफिस में जाते हैं तो शीशे के एक्वेरियम में उन्होंने पूरा वो बिल्डिंग तैयार किया हुआ होता है, डमी होता है, छोटा मॉडल होता है, सही है, स्मॉल स्केल पे मिनिएचर मॉडल होता है उसका। तो वो मॉडल आपको बता रहा होता है कि असली बिल्डिंग जब बनेगी तो ऐसी होगी देखने में वो। ठीक है, तो मॉडल क्या होता है, एक अप्रोच होती है, एक प्लान होता है, मॉडल इज नॉट समथिंग। जब मोबाइल फ़ोन भी आते हैं, अब तो पता नहीं वो आता है नहीं आता, लेकिन पहले जब कोई नया मोबाइल फ़ोन आता था तो मोबाइल के शॉप में उसके डमी मोबाइल होते थे, कि अगर आप चाहते हैं कि देखना कि हाथ में पकड़ के कैसी फील आएगी इस फ़ोन को, तो आप वो मॉडल, डमी मॉडल आपको देते थे। अब तो शायद वो फिज़िकल फॉर्म लगा देते हैं, आजकल शोरूम पे मैंने देखा है वो नीचे उसके लॉक वाली वायर से कनेक्टेड होता है और वो फिज़िकल फॉर्म होता है, तो उसको आप यूज़ भी कर सकते हैं, फ़ोटो वोटो भी ले सकते हैं, लेकिन पहले उसके लिए डमी पीसेस होते थे। वेल, तो हमने मॉडल समझ लिया कि मॉडल क्या होता है, कि उसको देख के असली चीज़ तैयार की जाएगी, एक प्लान होता है, मॉडल इटसेल्फ कुछ नहीं होता। इसके दो चैप्टर हमने शुरू में पढ़ लिए थे, ठीक है, अब तीसरा चैप्टर जो है हमारे पास वो है फाइंडिंग चिल्ड्रन। फाइंडिंग चिल्ड्रन जो है ये ऑलमोस्ट हम कर चुके हैं पहले, लेकिन थोड़ी सी हम इसकी देख लेते हैं फिर भी, थ्योरी क्या कह रहा है, कह रहा है भाई डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी जब आप करते हैं ना ईमेल, तो उस इसमें नहीं आया, इसमें भी ले आता हूँ, वन बी चाहिए। जब आप करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, तो असल में आप क्या कर रहे होते हैं, उस डॉम के ऊपर आप क्वेरी चला रहे होते हैं। क्वेरी, क्वेरी किसको बोलते हैं, सर्च क्वेरी जो होती है, जैसे google.com पे जाते हैं, आप लिखते हैं कार और एंटर करते हैं, तो वो इंटरनेट से जाके कार की तमाम फोटो ढूंढ के ले आता है, यही होता है ना। तो वो जो मैंने टेक्स्ट लिखा ना वो क्वेरी कहलाती है, कि क्वेश्चन पूछा मैंने उससे, तो मैं पूरे डॉक्यूमेंट के ऊपर ये क्वेरी चला रहा हूँ
कि इस डॉक्यूमेंट में कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसकी आईडी क्या है, ईमेल है, वो एलिमेंट उठा के ले आओ। ठीक है, अब वो एलिमेंट उठा के कहाँ लाके रखो, इस वेरिएबल में रख तो लागे। अभी देखो डॉट वैल्यू नहीं लगा हुआ, इसका मतलब है पूरा एलिमेंट, वो पूरा ऑब्जेक्ट इस वेरिएबल में आके सेव हो चुका है। ठीक है, अच्छा अब आगे देखो, इसी तरीके से एक और भी है क्वेरी। एक तो आईडी से गेट किया था, टैग नेम से भी गेट कर सकते हैं। टैग नेम का मतलब है कि पी आप लिखेंगे तो जितने भी पैराग्राफ हैं वो सब किस फॉर्म में आ जाएंगे, एरे की फॉर्म में आके, क्योंकि जाहिर है पैराग्राफ एक से ज़्यादा हो सकते हैं, आईडी तो एक ही होती है ना पैराग्राफ, लेकिन एक से ज़्यादा हो सकता है पूरे डॉक्यूमेंट में। अब चाहे वो हेड में हो, बॉडी में हो, बॉडी के अंदर, डिव के अंदर, पैराग्राफ के अंदर पैराग्राफ हो, वो सारे पैराग्राफ उठा के लेकर आ जाएगा और इस फील्ड में, इस वेरिएबल में लाके एरे की फॉर्म में उसको लाके स्टोर कर देगा। सही है, अच्छा फिर अगर मैं बोलता हूँ कि अब ये पी कहाँ से लाया, ये पी के नाम से तो कोई वेरिएबल नहीं है, वेल असल में इसका नाम ई फील्ड होना चाहिए था, ये शायद टाइपो हो गया है यहाँ पर, पढ़ लेते हैं। वैसे क्या करें, हैव वी मेड अ कलेक्शन ऑफ पैराग्राफ, यू कैन टारगेट पैराग्राफ विद इन द कलेक्शन दैट यू। अच्छा खैर, कहने का मकसद ये है कि इस वेरिएबल का नाम इमेजिन कर लो कि पी है, तो इसमें वो पूरा एरे आके सेव हो गया, उसमें 4, 5, 6, 10 जितने भी पैराग्राफ थे वो सेव हो गए। अब मैं इस वेरिएबल के ऊपर ना क्या लिखूंगा, इसका इंडेक्स 2 ये लिखूंगा मैं, और उसका इनर एचटीएमएल लिखूंगा, तो मुझे उस पैराग्राफ का इनर एचटीएमएल मिल जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या ढूंढ लिया, मैंने चाइल्ड ढूंढ लिया दो तरीके से, और जब मैं चाइल्ड ढूंढ के लाता हूँ वो एरे में होता है, तो उस एरे के हर एलिमेंट पे जो जो पैराग्राफ है उसका मैं इनर एचटीएमएल या इनर टेक्स्ट गेट कर सकता हूँ, उसके एट्रीब्यूट्स को देख सकता हूँ कि उसके एट्रीब्यूट्स क्या हैं। ठीक है, उस पर लगी हुई स्टाइलिंग को मैं चेक कर सकता हूँ, जितना कुछ एक एलिमेंट के ऊपर होता है ना लगा हुआ, वो सब चीज़ें मैं देख सकता हूँ। अगर कोई पैराग्राफ है तो उसका फॉन्ट साइज़ क्या है, अगर कोई हेडिंग है तो उसका कलर इस वक्त क्या है सेट हुआ हो, तो वो सब चीज़ें मुझे साथ साथ इसके, तो डॉट इनर एचटीएमएल करके सिर्फ अंदर का एचटीएमएल मिलता है, लेकिन मैं ये दूसरी सारी चीज़ें भी देख सकता हूँ इसकी। अच्छा एक मज़ीद एग्जाम्पल यहाँ पर क्या मौजूद है कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी डिव 3, एक ऐसा एलिमेंट ढूंढ के लाओ जिसका नाम क्या है, जिस पर आई डी लगी हुई है डिव 3, वो एलिमेंट ढूंढ के लाके डी में रखवा दो। सही है, अच्छा हमने ये देखा था आज से पहले, हमने पूरे डॉक्यूमेंट के ऊपर क्वेरी चलाई थी, लेकिन ये बता रहा है कि आपने जो ये डिव उठाया ना, ये डिव, इस डिव के ऊपर आप दोबारा से क्वेरी चला सकते हैं। ठीक है, इस डिव पे आप क्या कर सकते हैं, दोबारा से क्वेरी चला सकते हैं कि इस डिव में 10, 12, 15 एलिमेंट होंगे अंदर मोस्ट प्रॉब्ली। तो मैंने कहा कि डिव डॉट गेट एलिमेंट बाई टैग नेम पी, कि जितने भी पैराग्राफ नाम के एलिमेंट इसके अंदर है ना वो सब ले आओ, हेडिंग वगैरह है तो उसको छोड़ दो, सिर्फ पैराग्राफ। तो मेरे पास पी में क्या आ जाएगा, 3, 4 या 5 जितने भी पैराग्राफ उस डिव के अंदर होंगे, पूरे डॉक्यूमेंट में नहीं, सिर्फ उस डिव में, वो लेकर आ जाएगा। तो हमने ये देखा कि क्वेरी ना सिर्फ पूरे डॉक्यूमेंट पर चलाई जा सकती है, बल्कि किसी एक एलिमेंट के ऊपर भी चलाई जा सकती है क्वेरी। अच्छा उस एलिमेंट में कुछ नहीं होगा तो खाली एम्प्टी एरे आ जाएगा, उस एलिमेंट में अगर कुछ नहीं होगा तो एम्प्टी हो जाएगा, एम्प्टी एरे दे देगा वो आपको। अच्छा फिर इसने बोला कि वेरिएबल बनाओ कंटेंट, और कंटेंट के नाम से वेरिएबल बना के क्या करो, उसमें ये जो पी जितने भी पैराग्राफ मिले हैं इसमें जाओ, उसमें सेकंड इंडेक्स पे जो पैराग्राफ पड़ा हुआ है उसका इनर एचटीएमएल उठा के इस वेरिएबल में ले लो। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं असल में, डॉम से चीज़ों को रीड करना सीख रहे हैं मुख्तलिफ अंदाज में। ठीक है, डॉम में कोई भी चीज़ कहीं भी लिखी हुई हो उसको मैं ऐसे रीड कर सकता हूँ। अच्छा ये इन्होंने कुछ एग्जाम्पल बना के दिखाई है एचटीएमएल की, इस एचटीएमएल में क्या है, एक अदद बॉडी है। अच्छा बेसिक कोड इन्होंने ओमिट किया हुआ है, बॉडी से शुरू किया है, हेड वगैरह भी इन्होंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया। एक बॉडी है, उसके अंदर एक डिव है जिसपे आईडी क्या लगी हुई है, कॉल, CAL। एक दूसरी डिव है उस पर आईडी क्या लगी हुई है, NY। सही है, कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क के लिए, कैल और NY। अच्छा जो कैलिफोर्निया वाला है उसके अंदर 3 पैराग्राफ हैं, और जो न्यूयॉर्क वाला है उसके अंदर 2 पैराग्राफ हैं। तो ये एक गिवन सर्कमस्टांसेस है आपके पास कि इस तरह का एक HTML का पेज है। ठीक है, इफ़ यू वॉन्ट टू रीड द कॉन्टेंट ऑफ लास्ट पैराग्राफ इन द मार्कअप यू कुड राइट दिस।
कह रहे कि अगर आपको लास्ट पैराग्राफ उठाना है तो आप क्या करेंगे? आपने कहा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई टैग नेम और पी, तो ये पी में आपको कितने पैराग्राफ मिलेंगे? इस एचटीएमएल को देख के कोई बता सकता है? एक पैराग्राफ, दो पैराग्राफ, तीन पैराग्राफ। अच्छा, बाकी के तो दो इस डिफ के अंदर है, क्या ये भी मिलेगा? ये भी मिलेगा, ठीक है, क्योंकि पूरे डॉक्यूमेंट में कहीं पर भी कोई भी पैराग्राफ एग्जिस्ट करता होगा, चाहे वो किसी डिफ के अंदर हो, चाहे वो रूट पे हो, चाहे किसी पैराग्राफ के अंदर पैराग्राफ हो, मुझे वो सारे पैराग्राफ यहाँ पे इस पी के अंदर मुझे मिलेंगे वो, ठीक है। तो उसके बाद क्या बोला इसने कि पी का इंडेक्स 4, इंडेक्स 0 बेस होता है, यानी 4 का मतलब है कि पांचवा इंडेक्स है ये, 0 1 2 3 4, पांचवा इंडेक्स हो जाए उसका नाम 4 होगा। तो आ जाओ आ जाओ, 4 जो इंडेक्स होगा, भाई पीछे क्यों नहीं देख रहा? अच्छा, तो पांचवा जो इंडेक्स होगा उसका इसने बोला कि इनर एचटीएमएल क्या करो, उठा लो और एक वेरिएबल में स्टोर कर लो। तो ये इसने असल में क्या काम किया है, इस पूरे एचटीएमएल के डॉक्यूमेंट का जो लास्ट पैराग्राफ था उसको रीड किया इसने, उसके कंटेंट को रीड किया, ठीक है। अब ये इन्होंने एक्सप्लेन किया कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सारे काम हम लोग कर चुके हैं एक्चुअली पहले, राइट। ये रिवीजन हो रहा है हमारा, ये सब काम हम, क्योंकि शुरू से हम इनपुट लेना सीखा था जब हमने, तो हम एचटीएमएल के ऊपर ही फिर पूरी अपनी असाइनमेंट्स को बना रहे होते थे, तो ये सब चीज़ें हम पहले ही कर चुके हैं। हाँ, डॉम वाले सारे काम हम कर चुके हैं पहले, ठीक है। लेकिन एक काम हमने नहीं किया, वो नॉट वाला, अभी नॉट वाला आ जाएगा आगे, ठीक है। अपेंड चाइल्ड वगैरह वो सब हमने नहीं किया, वो करके देखेंगे हम इंशाल्लाह। अच्छा, फिर इसने बोला कि यार अगर आपको क्या करना हो, अगर आपको न्यूयॉर्क वाले का आखिरी पैराग्राफ उठाना हो, न्यूयॉर्क वाले डिव में कितने पैराग्राफ थे? ये दो पैराग्राफ हैं। इसका अगर आखिरी पैराग्राफ आपको उठाना हो तो आप क्या करेंगे? आप पहले तो उठाएंगे न्यूयॉर्क वाले को, एलिमेंट को, फिर उसको उठाने के बाद आपने कहा इस एलिमेंट जो डिव मुझे मिला है इस डिव पे डॉट गेट एलिमेंट बाई टैग नेम और पी, तो न्यूयॉर्क के अंदर जितने भी डिव होंगे वो आ जाएंगे, पैराग्राफ आ जाएंगे न्यूयॉर्क के डिव के अंदर जो भी पैराग्राफ थे, तो पैराग्राफ सारे आके इस पी के नाम से वेरिएबल में थे, स्टोर हो गए। अब इसने बोला है कि पैराग्राफ जितने भी मिले हैं, एरे है क्योंकि ये पैराग्राफ, उसका इंडेक्स नंबर 1, तो दो इंडेक्स हो गए, 0 और वो, सही है, सेकंड वाला, तो दो ही पैराग्राफ थे, तो 1 इंडेक्स पे जो होगा वो आखिरी पैराग्राफ होगा। अच्छा, और डॉट इनर एचटीएमएल, तो आखिरी पैराग्राफ किसका उठाया अब इसने? न्यूयॉर्क वाले का। अच्छा, इसको एक तरीके से और भी किया जा सकता था, अभी तो इसने 1 लिख दिया ना हाथ से, कल को अगर इसमें चार पांच, मतलब मुझे नंबर नहीं पता कि न्यूयॉर्क वाले में कितने डिव हैं, मुझे ये नहीं पता, अगर नहीं मल्टीपल उसके अंदर है तो फिर मैं क्या करूँगा, आखिरी डिव कैसे उठाऊंगा? मैं फॉर लूप भी चला के उठा सकता हूँ, लेकिन फॉर लूप में भी मुझे लास्ट इंडेक्स तो पता नहीं चलता। फॉर लूप में लास्ट इंडेक्स पता चलता है कि आखिरी दफ़ा ये कब घूम रहा है। तो असल में मैं ये करूँगा कि पैराग्राफ लिखूंगा और ये 1 की जगह पे ना मैं लिखूंगा पैराग्राफ डॉट लेंथ माइनस 1, तो उससे आखिरी इंडेक्स आ जाएगा, ठीक है। लेंथ में मुझे क्या मिलेगा, इस केस में मुझे लेंथ में 2 मिलेगा क्योंकि दो आइटम है उसके अंदर, तो मैं बोलूंगा कि लेंथ जो भी है ना माइनस 1 कर दो, क्योंकि इंडेक्स जो है वो 0 बेस होता है, लेंथ जो है वो 0 बेस नहीं होता, वो 1 बेस होता है, ठीक है। 0 बेस का मतलब है कि 0 से गिनती शुरू हो रही है, और 1 बेस का मतलब है 1 से शुरू हो रही है। तो मैं यहाँ पे वो लेंथ वाला काम भी कर सकता हूँ जो इन्होंने नहीं किया, पता नहीं क्यों नहीं किया, करना चाहिए था वैसे। नहीं, पुराने से ताल्लुक नहीं है। अच्छा, अब ये एक्सप्लेन कर रहा है कि वहां पे हुआ क्या है। अच्छा, अब कह रहा है कि नाउ आई विल शो यू अ न्यू वे टू टारगेट पैराग्राफ, ठीक है। अच्छा, इससे पहले ये गेट एलिमेंट था ना, ये एक तरीका था, एक है नया वाला तरीका नॉर्ड वाला, अब वो तरीका डिस्कस हो रहा है यहाँ पर। अच्छा, बाई यूजिंग डॉम ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, अब डॉम की जो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है ना उसके जरिए हम उठा रहे होंगे इसको। याद है जब शुरू वाली पहली क्लास में हमने देखा था कि हमारे पास दो तरीके से हम गेट करते थे तो दो तरह की चीजें मिल रही थी, एक में क्या मिल रहा था, कलेक्शन, दूसरे में क्या मिल रहा था, नॉड्स मिल रहे थे, ठीक है। तो दो चीजें मिल रही थी, एक में एचटीएमएल कलेक्शन मिल रहा था, एक में नॉड की कलेक्शन मिल रही थी। तो नॉड वाले तरीके से अगर गेट करना हो तो हम कैसे करेंगे, इसको हम बोलेंगे डॉक्यूमेंट डॉट चाइल्ड नॉड 0,
नॉट हम अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं कि नॉट क्या चीज़ होती है, बता सकता है कोई नॉट क्या होता है? हमने रियल लाइफ की भी एग्जांपल देखी थी कि रियल लाइफ में नॉट किस चीज़ को कहते हैं, कोई रिवाइज कर सकता है कि रियल लाइफ में नॉट क्या होता है? व्हाट इज अ नॉट सर? ये आपने बताया था जैसे अब ये पीसी है, इससे आगे जो ये लगा हुआ, ये कीबोर्ड एक नॉट है, माउस एक नॉट है, ठीक है, अगर इसके साथ मैंने कोई डेटा केबल कनेक्ट करके मोबाइल कनेक्ट किया वो एक नॉट है, इससे जो वाईफाई कनेक्ट है उस वाईफाई के लिए ये नॉट है, और नॉट मतलब एंड कहीं है नॉट का, नॉट नहीं एंड है, क्यों नहीं है? अगर तुम्हारे कंप्यूटर में दो माउस और कीबोर्ड जुड़े हुए हैं और एक मोबाइल फ़ोन जुड़ा हुआ है, वाईफाई डिस्कनेक्ट है। नहीं मतलब स्टार्ट जो था ना, मैं आपसे पूछा था कि सर इसका चलना चाहे, आपने बोला था वो नहीं। अगर कोई कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट है तो उसका फिर जाहिर है कोई एंड नहीं होगा, क्योंकि लाखों करोड़ों कंप्यूटर से आप जुड़ जाते हैं। लेकिन आपका अगर वाईफाई डिस्कनेक्ट है और सिर्फ ये मोबाइल फ़ोन कनेक्ट है आपके और एक माउस कीबोर्ड है, तो ये में तीन नॉड है टोटल। मेरे पूरे नेटवर्क में कितने नॉड हुए? चार नॉड, ठीक है। एक खुद कंप्यूटर, ये एक माउस, एक कीबोर्ड और एक मोबाइल, चार नॉड हो गए टोटल, ठीक है। तो नेटवर्किंग के अंदर ये टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जाती है, नॉड। कोई भी कनेक्टेड डिवाइसेस होती है ना, तो जो नेटवर्क होता है उस नेटवर्क के ऊपर हर एक डिवाइस जो आपस में कनेक्टेड है उसको एक नॉड कहते हैं, ठीक है। तो ये टर्म डिवाइस की होगी किसी ने, तो यहाँ पे भी उसी टर्म को शायद लिया, या मे बी यहाँ पहले आया हो, उन्होंने यहाँ से लिया हो, आई एम नॉट श्योर। तो इस ट्री स्ट्रक्चर के अंदर भी, भाई ट्री में भी तो यही होता है ना, एक नीचे तना होता है, एक पत्ता होता है, फिर उसमें फिर उसके साथ एक दूसरा पत्ता होता है, फिर तीसरा होता है, तो हर पत्ता एक नॉड है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब इन्होंने पीछे डायग्राम भी बनाकर दिखाई है इसी बुक में, वो उसको अगर किसी ने नहीं देखा तो देख ले। ये समझ में आया सबको ना नॉड? कोई ऐसा तो नहीं है नॉड जिसको समझ में ना आया हो, हम एक दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में इसको। इसने कहा डॉक्यूमेंट और चाइल्ड नॉड। अच्छा, ये डॉक्यूमेंट क्या चीज़ है? व्हाट इज दिस डॉक्यूमेंट? HTML डॉक्यूमेंट है, ठीक है। HTML डॉक्यूमेंट है जो कि पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया गया है। अच्छा, HTML के अंदर पूरा जो HTML का डॉक्यूमेंट है उसमें कितने चिल्ड्रन हैं? दो चिल्ड्रन हैं। कौन कौन से? हेड और बॉडी, बिल्कुल सही, ठीक है। तो मैंने कहा कि चाइल्ड नॉट मुझे चाहिए इसका, कौन सा चाहिए? पहला वाला चाहिए। तो पहला वाला है हेड या बॉडी है, ठीक है। गिवन सर्कमस्टांसिस में हो सकता है हेड हो सकता है हेड हो ही ना, तो फिर बॉडी होगा, ठीक है। तो चाइल्ड नॉट मैंने जीरो गाइड कर लिया, फिर जो मुझे मिला है चाइल्ड उसका मुझे नॉट चाहिए वन, यानी उसके भी कुछ चिल्ड्रन होंगे, दो चार पाँच, तो उसमें से इसने कहा वन उठा लो, फिर उसके चाइल्ड में से इसने कहा वन उठा लो, फिर उसके चाइल्ड में से इसने कहा वन उठा लो। तो ऐसे ना चाइल्ड चाइल्ड करके मैं जहाँ चाहूँ जा सकता हूँ, ठीक है। HTML के पूरे डॉक्यूमेंट में मैं जहाँ भी चाहूँ जा सकता हूँ। अच्छा, डॉट पैरेंट भी कर सकता हूँ, चाइल्ड से भी पेरेंट की तरफ भी जा सकता हूँ। मतलब एक पैराग्राफ मुझे मिल गया, आईडी से उठा लिया मैंने, मैं डॉट पेरेंट डॉट पेरेंट डॉट पेरेंट करके पूरा टॉप तक जा सकता हूँ, ठीक है। तो हर चाइल्ड के पास अपने पेरेंट का डेटा है और हर पेरेंट के पास अपने तमाम चाइल्ड का डेटा है, ठीक है। तो इसने क्या किया कि आखिर ये पूरा चाइल्ड चाइल्ड करके ना ये पी तक पहुँच गया, पैराग्राफ तक, और फिर बोला कि पैराग्राफ डॉट इनर HTML को यहाँ ले आओ इस कॉन्टेंट के वेरिएबल में। तो इस तरह भी पैराग्राफ का डेटा रीड किया जा सकता है, ठीक है, नॉट नॉट के जरिए। अब यहाँ नीचे इन्होंने एक्सप्लेन किया कि ये काम हुआ क्या है। इसने कहा भाई डॉक्यूमेंट डॉट चाइल्ड नॉट जो था ना वो क्या था? HTML था, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट चाइल्ड नॉट जो था सबसे पहला वो HTML था, ठीक है। उसके बाद उसके ऊपर जो लगा ना डॉट, उसके ऊपर क्या लगा? डॉट चाइल्ड नॉट वन, जीरो नहीं लगा, यानी सेकेंड वाला। तो इसमें ना बॉडी उठाया इसने, यानी ये वन जो लगाया इसने वो हेड और बॉडी था, दो चीज़ें थी, ठीक है। लेकिन गिवन सर्कमस्टांसिस में अलग अलग हो सकता है, हो सकता है किसी ने लिखा ही डायरेक्ट सिर्फ बॉडी हो, ठीक है। उस अच्छा उस केस में भी क्या गूगल क्रोम जो अगर ऊपर आपने हेड नहीं लिखा तो क्या खुद से हेड लगा देता है या नहीं लगाता? ये एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ेगा, ये मैंने भी कभी एक्सपेरिमेंट नहीं किया कि अगर मैं हेड नहीं लगाता अपने कोड में तो क्या गूगल क्रोम खुद से लगा देता है, इसका जवाब मुझे नहीं पता, ये करके देखते हैं। वेल, इनके केस में इन्होंने प्रॉपर कोड लिखा है, HTML भी कोड लिखा है जो हम लिख रहे होते हैं आमतौर पे, यहाँ पे जो हम इस तरह कोड लिखते हैं ना, देखो डॉक टाइप। तो ये पूरे डॉक्यूमेंट में सबसे पहला नॉड कौन सा है? HTML एक्चुअली, ठीक है। उसके बाद एक हेड है एक बॉडी है, तो इसमें से बॉडी उठा लिया वन करके। अच्छा, तो फिर क्या हुआ आगे? अच्छा,
नहीं वैसा कोड तो चल जाता है गूगल क्रोम के ऊपर, अगर आप डायरेक्ट भी HTML के पेज पे सिर्फ H1 लिखा हुआ है ना डायरेक्ट आपने, ना हेड है ना बॉडी है कुछ भी नहीं है, तो वो उसको रन करता है, मना नहीं करता उसको। लेकिन बात ये कि क्या है, जब मैं इस तरह गेट करूँगा तो क्या मुझे फिर भी हेड मिल रहा होगा, खुद से लगा देगा हेड, या मुझे हेड नहीं मिलेगा डायरेक्ट, मैं जब डॉक्यूमेंट डॉट चाइल्ड नॉट करूँगा तो डायरेक्ट मुझे वो H1 मिल जाएगा जो मैंने सिर्फ H1 लिखा हुआ है, ये करके देख लेना ठीक है, अभी हम देख लेंगे। अच्छा तो ऐसे करके वो डिव और बॉडी तक पहुंच गया, और ये HTML कौन सी है जो ऊपर इन्होंने लिखी थी वही वाली है। तो हमने देखा यार चाइल्ड नॉट करके भी हम गेट इसको कर सकते हैं। अच्छा अब ये कह रहा है ये जो चाइल्ड नॉट आपने लगाया था ना, अभी तो हम शुरू हुए थे डॉक्यूमेंट से डायरेक्ट के डॉक्यूमेंट डॉट चाइल्ड नॉट, लेकिन ये चाइल्ड नॉट आप किसी डिव पे भी लगा सकते हैं। जैसे इन्होंने क्या उठाया, एक इन्होंने बोला कि भाई डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID न्यूयॉर्क, कि न्यूयॉर्क वाली जो डिव थी वो उठा के ले आओ इस डी में। अभी इस डी के ऊपर इन्होंने क्या लिखा कि चाइल्ड नॉट 1 ठीक है, कि इसमें जितने भी चिल्ड्रन हैं उसमें से 1 पे जो खड़ा है ना वो मुझे ला के दे दो ठीक है, तो 1 वाला उठ कर आ जाएगा। अच्छा फिर इसने बोला कॉन्टेंट और पैराग्राफ डॉट इनर HTML ठीक है, वही सेम चीज़ है थोड़े मुख्तलिफ अंदाज में करके बताई इन्होंने। अब यहाँ पे ना ये चीज़ हो गई ख़त्म, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं इस कोड को थोड़ा सा चला के देख लेते हैं कि क्या रिपोर्ट है इसकी। अच्छा मैं इन्हीं का ही कोड कॉपी करता हूँ जिसमें हमें ये भी पता चल जाएगा गेटिंग एलिमेंट, नहीं इसमें नया बनाना पड़ेगा मुझे, डुप्लीकेट डुप्लीकेट नहीं होता इसमें, ठीक है। अभी मैंने अपना कोड ना डायरेक्ट बॉडी से शुरू किया है राइट, और बॉडी से डायरेक्ट शुरू करके अब मैं ज़रा देखता हूँ इसको जाके कॉपी पाथ, यहाँ आके मैंने इसको ओपन किया चला के देखा, ये इस तरह का कुछ प्रीव्यू आ गया। अब मैं एलिमेंट्स में जाता हूँ, हेड और बॉडी इसने लगा दिया खुद से, सही है गूगल क्रोम, बॉडी तो मैंने लगाई है हेड नहीं लगाई थी मैंने, तो इसने खुद से लगा दिया। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं, अच्छा मैं बॉडी भी अगर हटा दूं तो मैं डायरेक्ट दो डिव लिख दूं, बॉडी भी खुद से लगा रहा है सही है। तो इसका जवाब हमें पता चल गया कि अगर हम, अच्छा डायरेक्ट अगर मैं एक H1 सिर्फ लिखूं, सिर्फ एक H1 मैंने लिखा है डायरेक्ट, तो इसने कंसिडर किया है कि जो मैंने H1 डायरेक्ट लिखा है ना वो बॉडी में लिखा है, कंसिडर कर लिया इसने, और बाकी चीज़ें शुरू की जो मिसिंग थी वो खुद लगा दी। तो हम बॉडी वापस लगा देते हैं और हम क्या करते हैं इसी में स्क्रिप्ट लिख लेते हैं, और स्क्रिप्ट के अंदर अब मैं क्या लिखूँगा जो इन्होंने बुक में लिखा हुआ वही लिख के देखते हैं फिलहाल के लिए ठीक है। इसने बोला कि डॉक्यूमेंट डॉट चाइल्ड नॉट 0 ठीक है, तो मैं भी आगे यहाँ पे लिख देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट चाइल्ड नॉट 0, मैंने कहा लेट एलिमेंट ठीक है, मैंने कहा लेट एलिमेंट और जो भी चीज़ डॉक्यूमेंट के चाइल्ड 0 पे मिलती है ना वो उठा के ले आओ, और इसको मैं कंसोल भी करा देता हूँ सही है। और इसको हम चला के देखते हैं, कंसोल पे किया मैं रिफ्रेश किया, देखो मुझे क्या मिला HTML का पूरा डॉक्यूमेंट मिल गया ठीक है। अच्छा मैं इस पर एक और चाइल्ड 0 लगाऊंगा डॉट चाइल्ड नॉट 0 हाँ अनडिफाइन होगा देख लेते हैं करके, क्योंकि इस एरे के अंदर ना इस एरे की लेंथ कितनी है 1, एक ही एलिमेंट है उसमें, तो अगर मैं किसी ऐसे एरे पे जिसमें एक ही एलिमेंट हो मैं दूसरा एलिमेंट गेट करने की कोशिश करूँ तो वो अनडिफाइन देता है। अभी देखते हैं पहले इसको एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, सेकंड वाले पे अनडिफाइन मिल गया ठीक है, 0 लगाता हूँ मैं दोबारा ठीक है, या चाइल्ड नॉट करके लगाता हूँ मैं सिर्फ चाइल्ड नॉट 0 1 नहीं, तो दोनों जितने भी एलिमेंट हैं वो सब प्रिंट होने चाहिए। रिफ्रेश किया मैंने, देखो एक एरे है जिसमें एक ही आइटम
अच्छा अब क्या कह रहे हो तुम? ये डॉक्यूमेंट का चाइल्ड है? नहीं वहाँ नहीं दिखाया। नहीं डॉक्यूमेंट अगर देखो, मैं सिर्फ डॉक्यूमेंट लिखता हूँ तो मुझे क्या मिलता है? ये तुम्हारा सवाल था ना कि सिर्फ ये है डॉक्यूमेंट, हैश करके डॉक्यूमेंट लगा हुआ है, ठीक है। डॉक्यूमेंट इज द फिजिकल एचटीएमएल फाइल जो है ना, मतलब कहने का है कि कहीं कोई स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए था इसका, तो इन्होंने डिसाइड किया कि एचटीएमएल से नहीं डिसाइड होगा ये स्टार्टिंग पॉइंट। एक उन्होंने डॉक्यूमेंट नाम की एक आईडी बनाई हुई है, जो भी बनाया हुआ है वहाँ से स्टार्ट होगा, और एचटीएमएल का जो एलिमेंट है वो उसके अंदर है। अच्छा अगर हम कोड में भी गौर करें, जो हम इससे पहले कोड लिखते रहे हैं, तो उसमें भी ना ये देखें आप, पहले क्या होता है डॉक टाइप एचटीएमएल और उसके बाद एचटीएमएल होता है, ठीक है। लेकिन ये मेरा ख्याल है इस डॉक टाइप की बात नहीं कर रहा, ये इस पूरे एचटीएमएल की फाइल की बात कर रहा है। ये पूरा एचटीएमएल का फाइल जो है ये डॉक्यूमेंट है। अच्छा इस डॉक्यूमेंट की भी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ होती होंगी, मिसाल के तौर पर इस डॉक्यूमेंट का साइज़ क्या है, कितने केबी का है, मिसाल के तौर पर इस डॉक्यूमेंट में कितने कैरेक्टर्स हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ इसकी भी होती होंगी जब ही इन्होंने यहाँ से शुरू किया, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर अगर मैं इस डॉक्यूमेंट के ऊपर डॉट लगाता हूँ तो मुझे देखो काफ़ी सारी चीज़ें मिल रही हैं, डॉक्यूमेंट पोजिशन फॉलोइंग, डॉक्यूमेंट पोजिशन प्रोसीडिंग, ये मैंने कभी चेक नहीं किया है इसको। कोई एक इसमें से लगा के देखते हैं क्या रिपोर्ट है, कोई एक इसमें से लगा के देखते हैं। डॉक्यूमेंट नॉट डॉक्यूमेंट पोजीशन कंटेंट बाई ये वाला लगाते हैं, ठीक है देखते हैं इसमें क्या मिलता है। 4 मिला है इसमें, ये पता नहीं क्या था, लेकिन डॉक्यूमेंट पे डॉट लगा के कुछ चीज़ें हैं। और ये क्या है, डॉक्यूमेंट पोजीशन फॉलोइंग, कि डॉक्यूमेंट की पोजीशन क्या है, तो इसने कहा 4, ठीक है। ज़रा गूगल करके देख लेते हैं कि ये मुझे दिया क्या है इसने। कॉम्पेयर नॉट पोजीशन ये था, ये क्या करता है, मेथड ऑफ नॉट इंटरफेस रिपोर्ट द पोजीशन ऑफ इट्स आर्ग्यूमेंट नॉट रिलेटिव टू द नॉट विच इज कॉल्ड, पता नहीं क्या आता ये, सही है। बहरहाल नॉट डॉक्यूमेंट पे करके मिलता है ये, डॉक्यूमेंट डॉट लिखता हूँ ज़रा, हाँ यही आ रहा है, यही है। सही है, वेल कुछ पोजीशन बता रहा है इसकी ये। और कोई देखते हैं इसके अलावा, ऐसे ही ज़रा एक्सप्लोर करना चाहिए ना, आप लोग भी कीजिएगा। लाइट ये वाली बटन इन्होंने आगे पीछे किया ना, डॉक्यूमेंट टाइप नॉट एलिमेंट नॉट रेफरेंस नॉट। नहीं नहीं डॉक्यूमेंट लगाना पड़ेगा भाई, सिर्फ इसमें चाइल्ड नॉट लिखूंगा तो ये कह रहे हो नहीं ना, एरर है भाई, नहीं नहीं ऐसा कैसे यार, वो डी उसको एनी समझ रहा है, डी उसको समझ रहा है कोई वेरिएबल हो गई है। असल में पूरा जो है ना वो है विंडो डॉट डॉक्यूमेंट, ठीक है पूरा तो ये है, विंडो लिखना ऑप्शनल है भाई दादा, ठीक है 0। अभी मैं पूरा लिख देता हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है। तो मुझे HTML का डॉक्यूमेंट मिल गया, अब HTML के अंदर कितने चाइल्ड हैं, हेड और बॉडी, तो मैंने कहा मुझे 1 चाहिए, तो मैंने कहा डॉट चाइल्ड नॉट्स और 1, अगर मैं 0 करूँगा तो हेड मिल जाएगा मुझे, तो अब मुझे क्या मिला, बॉडी मिला। अब बॉडी के अंदर कैलिफोर्निया न्यूयॉर्क और स्क्रिप्ट 3 है मेरे पास, उसके पास 2 था ना, मेरे पास 3 है, ये स्क्रिप्ट को भी गेट कर सकता हूँ, ठीक है। मैंने कहा डॉट चाइल्ड नॉट्स और 012, ये इससे मुझे स्क्रिप्ट का पूरा टैग मिल जाएगा, ठीक है। हाँ
इसके अंदर जो टेक्स्ट ये लिखा हुआ है ना सारा, इसके अंदर जो ये टेक्स्ट लिखा हुआ है ना सारा, वो मुझे यहाँ पे दिख रहा होगा कहीं ना कहीं। डॉक्यूमेंट डॉट टारगेट नहीं आ रहा इसके अंदर। हाँ पड़ती है बिल्कुल। हाँ हाँ, स्क्रिप्ट का ये एलिमेंट जो है हम खुद भी क्रिएट कर रहे होते हैं। सर ये तब पड़ती होगी जब मतलब सारी चीज़ें कंप्लीट होती हैं, फिर कुछ ढूंढना पड़ता है। अच्छा ये मेरे पास लिस्ट है टोटल। अच्छा वो बीच में टेक्स्ट भी आ रहा है ना, डे वाई टेक्स्ट है, डे वाई टेक्स्ट है, तो स्क्रिप्ट है पाँचवें नंबर पर, तो इसका इंडेक्स लिखना पड़ेगा मुझे 4। ठीक है, और ये जो टेक्स्ट है ये स्क्रिप्ट के अंदर मौजूद जो टेक्स्ट है, ये उस टेक्स्ट की बात हो रही है शायद। नॉट नेम टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट ऑनर, डॉक्यूमेंट पेरेंट, होल टेक्स्ट, नहीं यार मुझे टेक्स्ट एलिमेंट नहीं मिल रहा इसका। वेल हाँ ये आ गया वो इसके अंदर का लिखा हुआ डेटा। ठीक है, जो मैंने स्क्रिप्ट के अंदर बात लिखी हुई है ना, वो देखो यहाँ शो हो रही है। रोक तो नहीं सकते, नहीं मतलब जो भी कुछ अगर सोच सकते हो ना तुम, वो हो सकता है। अब रोकने की तुम्हें कब जरूरत पड़ेगी, कहाँ पे जरूरत पड़ेगी? ये हो सकता है कि तुमने शुरू में टॉप पे कोई स्क्रिप्ट लगाई हुई है और तुम उस स्क्रिप्ट पे बोलते हो यार नीचे जब पहुंचो तो ये स्क्रिप्ट ना चले, ये कर सकते हो मे बी। वेल अब इसमें लेकिन जावास्क्रिप्ट की मैनिपुलेशन नहीं है, डॉम की मैनिपुलेशन है कि डॉम पे मौजूद किसी ऑब्जेक्ट को हटा दो, रिमूव कर दो, बना दो। हाँ स्क्रिप्ट का जो टैग है ना, वो क्रिएट करने की ज़रूरत पड़ती है। पता है कहाँ पर पड़ती है? जब एम्बेडेड कोड लगाते हैं। कुछ ऐसे तुमने प्लेटफॉर्म्स देखे होंगे कि एक URL दे देते हैं, वो कहते हैं अपने कोड में जाके पेस्ट कर दो इसको। जैसे ही आप पेस्ट करते हैं आपके पास वो चैट का बलून बना हुआ आ जाता है, क्लिक करते हैं खुलता है वो चैट का बलून, चैट होती है उसमें। देखा ये वाला इंटरकॉम है ना? इंटरकॉम नहीं, तुम लोगों ने देखा intercom.com करके, ये सोशल कस्टमर सर्विस करते हैं ये। व्यू डेमो का बटन, अच्छा बैक बैक बैक, ये खुद ही लोड होगा। ये रहा, ये छोटा सा आ रहा है चुन्ना सा। ये जो इंटरकॉम है ना, ये जब आप अपनी वेबसाइट पे इंस्टॉल करते हैं, कस्टमर सपोर्ट का ये ऐप है, तो एक तो intercom.com पे डैशबोर्ड आ जाता है जहाँ पे आपका लाइव एजेंट बैठा हुआ होता है। intercom.com पे लॉगिन करके वो बैठा हुआ होगा। लेकिन आपकी जो वेबसाइट है sysborg.com, जहाँ पे एक्चुअल यूज़र आ रहे हैं और उनको जब कोई प्रॉब्लम आती है तो मैसेज करते हैं वो, तो उनके लिए एक मैसेजिंग प्लेटफॉर्म वो चाहिए ना, मैसेज की स्क्रीन। तो ये मुझे इंटरकॉम वाले कोड देते हैं, एम्बेडेड कोड, कहते हैं ये अपने वेबसाइट पे जाके पेस्ट कर दो आप बॉडी के आखिर में या बॉडी के शुरू में। जैसे ही आप पेस्ट करोगे ये डब्बा बना हुआ जाएगा। अब ये डब्बा कैसे बना हुआ जाएगा? वो तो एक लाइन का कोड होता है, उसके अंदर एक लिंक होता है एक जावास्क्रिप्ट का। वो जावास्क्रिप्ट जब लोड होती है ना, तो आपके UI के ऊपर वो नए स्क्रिप्ट के टैग बनाती है और स्क्रिप्ट नई स्क्रिप्ट ऐड करती है, नए एलिमेंट्स ऐड करती है। ये पूरा बिल्ड होता है डॉम के ज़रिए बाकायदा। ठीक है, ये पूरी चीज़ बिल्ड होती है डॉम के ज़रिए। समझ आ रही है बात? तो एम्बेडेड कोड के अंदर इसकी ज़रूरत पड़ती है कि स्क्रिप्ट का टैग खुद से बनाते हैं। अच्छा इसकी एक एग्जांपल भी तो मैं दिखाता हूँ। अरे इन्होंने तो हटा दिया सारा यार। इस वेबसाइट के ऊपर एक चैटबॉट लगा हुआ था यहाँ पे, ये शायद इन्होंने हटा दिया है। हटा दिया इन्होंने वो चैटबॉट। ठीक है, वो चैटबॉट असल में एम्बेडेड कोड था, इसी की वेबसाइट पे पेस्ट हुआ हुआ था। ठीक है, वो जब उसमें छोटा सा जावास्क्रिप्ट लिखी हुई थी, और जब क्या होता था कि वो जावास्क्रिप्ट जब रन होती थी तो वो ऑटोमेटिकली नए एलिमेंट बना के ना
पूरा जो SMS वो मैसेज की स्क्रीन है वो पूरी उसमें ऐड कर देती थी, वो एलिमेंट्स ऐड कर देती थी। और उसकी पोजीशन क्या होती थी, उसकी पोजीशन ऐसी होती थी वो कोने पे ही फिक्स रहता था। क्या नाम है उस पोजीशन का, फिक्स पोजीशन है, सही है, पोजीशन उसकी फिक्स होती थी स्क्रीन से रिलेटिव। अच्छा, तो ये हमने गेट एलिमेंट चाइल्ड नॉट करके देख लिया। आगे चलते हैं बुक में इन्होंने क्या बताया। अब ये पेरेंट वाला कुछ करेंगे। अच्छा, जंक आर्टिफैक्ट एंड नॉड टाइप, दो चीज़ें अब यहाँ पे डिस्कस हो रही हैं कि नॉड की कौन कौन सी टाइप हो सकती है। इट्स टाइम टू टॉक अबाउट द जंक आर्टिफैक्ट ऑफ डॉम, द पेस्की थिंग दैट आई हैव बीन रेफरिंग टू इन द लास्ट 3 chapters। लेट्स रिविजिट द सिंप्लीफाइड वेब पेज दैट वी हैव बीन यूजिंग एन एग्जाम्पल। कह रहे हैं भाई ये वेब पेज है जो हम क्या करेंगे इस चैप्टर में एज अ एग्जाम्पल हम यूज़ करेंगे। इसमें क्या है, एक लेवल 1 पे डॉक्यूमेंट है जो भी हमने देख भी लिया कि HTML से भी पहले एक डॉक्यूमेंट होता है। अच्छा, तो डॉक्यूमेंट डॉट, उसके बाद ये एक चाइल्ड है इसका, उसके अंदर हेड है, उसके अंदर बॉडी है, फिर बॉडी के अंदर क्या है, बॉडी के अंदर एक डिव है, एक ही डिव है, उसमें 2 पैराग्राफ हैं और दोनों पैराग्राफ के अंदर थोड़ा थोड़ा टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो ये हमारा एग्जाम्पल आ गया। दिस इज़ हाउ आई डायग्राम द डॉम फॉर द पेज। अब ये डायग्राम बनाने जा रहा है इस पेज के लिए, तो ये कुछ इस तरह से बना रहा है डायग्राम। क्या बनाया इसने, डॉक्यूमेंट, उसके अंदर HTML, HTML के अंदर हेड और बॉडी। अच्छा, बॉडी के अंदर एक डिव के अंदर 2 पैराग्राफ और दोनों पैराग्राफ में थोड़ा थोड़ा सा टेक्स्ट। बिल्कुल सही डायग्राम बन गई है। कह रहा है बट दिस डायग्राम इज़ वैलिड फॉर ओनली अ कपल ऑफ ब्राउजर्स। कह रहा है ये डायग्राम जो है ना, कुछ ब्राउज़र में ये ट्रू है, कुछ ब्राउज़र में ये फॉल्स है। इसका मतलब ये हुआ कि HTML को जावास्क्रिप्ट में जो कन्वर्ट किया जाता है वो मुख्तलिफ ब्राउज़र में थोड़ा तरीका वो मुख्तलिफ है शायद, ठीक है। अच्छा, कोई भी अगर कोई कोड वोड लिख रहा है वो सारा छोड़ के मेरी तरफ तवज्जो दें, सही है, स्क्रीन से नज़र हटा लें, स्क्रीन ऑफ कर दें। अच्छा, तो क्या है वो फर्क, मोस्ट ब्राउज़र इंटरप्रेट द वाइट स्पेस दैट्स क्रिएटेड बाय सम कैरेज रिटर्न। कैरेज रिटर्न क्या होता है पता है आपको, कैरेज रिटर्न क्या होता है कोई बता सकता है। अबे भाई ये वाली स्क्रीन पे देखो अभी इतनी सी चीज़ को गूगल क्या करोगे, मैं बता दूंगा ना इतनी सी चीज़ को गूगल क्या करोगे। अच्छा, कैरियज रिटर्न जो टाइपराइटर में टाइप करते थे ना जब उस टाइम पे पहले ज़माने में, ठीक है, तो उसमें क्या होता था कि आप ठक 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 लिखा तो वो आगे जाता रहता है, पेज पूरा आगे बढ़ता रहता है। अब आप अगली लाइन पे आपको जाना है तो पेज को हल्का सा रोल करते हैं, वो एक रोलर लगा हुआ होता है, हल्का सा रोल करते हैं तो पेज ऊपर हो जाता है, टाइप अगली लाइन पे आ जाता है, और उसके बाद ये जो पेज है ना पूरा उसको वापस धक्का मार के शुरू में लाता है। तो ये जो वापस धक्का मार के शुरू में लाते हैं ना, इसका मतलब क्या होता है, इसको बोलते थे कैरियज रिटर्न, सही है। तो अभी भी जब हम किसी भी पेज पे जब एंटर का बटन प्रेस करते हैं तो क्या होता है, अगली लाइन में आ जाता है और शुरू में आ जाता है, तो उसको फैंसी उसका एक नाम है कैरियज रिटर्न। मिसाल के तौर पर इस डॉक्यूमेंट में मैं आया, मैं यहाँ पर हूँ ना इस वक्त, मैंने एंटर किया तो ये क्या हुआ, कैरियज रिटर्न हुआ, इसको कैरियज रिटर्न कहते हैं। अच्छा, तो क्योंकि ये मैं बात इसलिए समझा रहा हूँ कि ये सब समझ में आएगा ना, फिर इसकी बात समझ आएगी आपको। अच्छा, क्या कह रहा है कि मोस्ट ब्राउज़र इंटरप्रेट दैट वाइट स्पेस दैट क्रिएटेड बाय सम कैरियज रिटर्न या टैब या स्पेस यूज टू फॉर्मेट द कोड एज टेक्स्ट नॉट, ठीक है। जैसे यहाँ पे आ जाओ, कह रहे हैं कि ये जो लाइन चेंज हुई हुई है ना, ये या जो टैब लगा हुआ है, टैब से क्या होता है, टैब का बटन दबाया आगे बढ़ गया, ये टैब लगा हुआ है, ठीक है, या कोई भी वाइट स्पेस, मैंने कहा कि यार ऐसे इसको एक एक आगे कर दो बस, तो टैब नहीं है अगर तो वाइट स्पेस है, कुछ भी ऐसी चीज़ है जिस जो भी चीज़ में जगह खाली है कोड को फॉर्मेट करने के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं उसको क्या कह रहा है कि वो टेक्स्ट नॉट के तौर पर इंटरप्रेट करती है। When you look at
द मार्कअप यू सी थ्री टेक्स्ट नोड्स द चाइल्ड ऑफ टाइटल एंड टू पैराग्राफ एलिमेंट. कह रहे हैं कि आप जब मेरे डायग्राम में देखेंगे तो मेरे पास टेक्स्ट नोड जो है वो एक तो दो पैराग्राफ हैं, दोनों में थोड़ा थोड़ा टेक्स्ट है वो है, और उसके अलावा टाइटल का जो है टेक्स्ट वो टेक्स्ट नोड है, तीन टेक्स्ट नोड है टोटल. द चिल्ड्रन ऑफ द टाइटल एलिमेंट एंड टू पैराग्राफ, ठीक हो गया. ये तीनों को इसने हाईलाइट करके भी दिखा दिया. फायरफॉक्स सी दिस मार्कअप एज एट एडिशनल टेक्स्ट नोड्स. फायरफॉक्स पे जब ये कोड रन होगा तो उसके अंदर एट एडिशनल टेक्स्ट नोड आएंगे दैट आर नथिंग बट वाइट स्पेस क्रिएटेड बाई इंडेंटेशन. ये इसने यहाँ पे बताया हुआ फायरफॉक्स में इस तरह से अलग अलग दिखेगा कि हेड के बाद क्या है, एंटर है ना, तो वो टेक्स्ट नोड कंसिडर कर रहा है उसको. फिर टाइटल के अंदर टेक्स्ट है, फिर टाइटल ख़त्म होने के बाद भी एक एंटर है तो वो भी टेक्स्ट नोड है. ठीक है, नहीं तो डायग्राम तो डायग्राम में इसने कितने नॉड है वो बता रहे हैं. सर ये जो दो पी हैं ये दोनों सिबलिंग है. सिबलिंग तो नहीं है, ये जो दो पी है ये दोनों पी सिबलिंग है. ये नीचे वाले पीले वाले दोनों सिबलिंग नहीं है. ये ब्लू वाले दो पी जो है सिबलिंग है. सही है. तो सर इसके जो सात वाले हैं जो चाचू के होते हैं वो सिबलिंग का कंसीडर होंगे. ये वाले नहीं 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 ये क्या है, ये तो उसका रूट अलग है ना. ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है. जब तुम खुद कह रहे हो चाचू के बेटे हैं सिबलिंग कंसीडर होंगे. नहीं सही, हमारे यहां तो भाई कहते हैं. नहीं नहीं भाई नहीं कहते, हमारे कजन कहते हैं. अच्छा अभी ये खुद बोलेगा, अभी ये खुद बताएगा. भाई कहते हैं, समझ लो, सोच लो. यहाँ नहीं कहते, पहुँच गए बाकी बंदे. तो बहन से तो फिर लेकिन हो जाता है, तो इसका मतलब बहन नहीं है ना वो, जब ही तो हो जाता है. ठीक है, तो भाई नहीं कहते, वो ऐसे मोहब्बत की जुबान है हमारी. जैसे अब्बू को बहुत सारे लोग बाबा कहते हैं, सही है. वालिद तो कोई भी नहीं कहता ना, वालिद साहब तो कोई नहीं कहता. कोई प्यार की ज़ुबान में कुछ बोलते हैं, और हर किसी ने अपना अपना रखा हुआ है, तो वो तो प्यार से आप कुछ भी कहते रहें वो तो फ़र्क नहीं पड़ता उससे. वेल अच्छा, तो तुम ये कह रहे थे कि ये डायग्राम जो है ना, देखो इसने यही बोला है कि डायग्राम इज़ ऑनली वैलिड. कोड तो वैलिड है, कोड तो यहाँ भी चलेगा वहाँ पे भी चलेगा, लेकिन ये डायग्राम इनवैलिड हो गई ना. क्योंकि डायग्राम में क्या होता है कि किसी चीज़ के बारे में समझाया जा रहा होता है. सही है, तो डायग्राम इनवैलिड हो गए. मिसाल के तौर पे अगर मैं किसी दूसरे डायग्राम की बात करूं कि एक कंप्यूटर में कितने पार्ट्स होते हैं, एक कंप्यूटर में कितने इंडिविजुअल पार्ट्स होते हैं. एक मॉनिटर होता है, एक सीपीयू होता है, एक माउस होता है, एक कीबोर्ड होता है, चार पांच चीज़ें होती हैं. ठीक है, लेकिन कुछ कंप्यूटर ऐसे होते हैं जिसमें माउस कीबोर्ड नहीं होता. ठीक है, तो अगर मैं एक चार्ट बना रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ यार कंप्यूटर के अंदर ये पाँच पार्ट्स होते हैं, तो वो चार्ट That chart is only valid for desktop computers. ठीक है, कुछ की कौन से कंप्यूटर ऐसे होते हैं जिसमें माउस की बोर्ड नहीं होता. माउस की बोर्ड तो है इसमें, हाँ मोबाइल. ठीक है, या कियोसक, बहुत सारी जगहों पर टच स्क्रीन पर ना कियोसक्स बने हुए होते हैं. जैसे मैकडोनल्ड वगैरह में आजकल आप जाएँ तो वो स्क्रीन है बड़ी सी, वो टच स्क्रीन होती है, तो उसी पर आप टक टक करके ना ऑर्डर दे देते हैं. थोड़े दिन में वो चैटबॉट बनने वाला है, थोड़े दिन में आप जब जाएंगे उसके ऑसिक से तो वो पूछेगा आपसे, बात करेगा. सही है, तो उसमें माउस कीबोर्ड नहीं होता, टच स्क्रीन होती है, अदर हैंड इनपुट ले रहा होता है. कुछ दिन में वो टच स्क्रीन हट के हटेगी नहीं शायद, लेकिन ऐड हो जाएगा उसमें चैटबॉट. जी सर, अगर ये डायग्राम मोज़िला के हिसाब से बनी होती तो जो इसमें स्पेस आ रहा है मतलब बॉडी से और डिस्क के दरमियान एक लाइन सी बनी है. एक लाइन नहीं, एक पूरा डब्बा होता, वो पूरा डब्बा बना होता टेक्स्ट के. हां, मतलब मोज़िला के हिसाब से बना, मोज़िला के हिसाब से होता. अच्छा, तो मोज़िला में कुछ एडिशनल ये नॉड इसके अंदर क्रिएट कर देता है. अच्छा, दीज एक्स्ट्रा टेक्स्ट नॉड क्रिएट नॉइज दैट मेक्स इट हार्ड फॉर योर डॉम टू रीड. इन वन ब्राउजर द फर्स्ट चाइल्ड इज डिव, इन अनदर ब्राउजर द फर्स्ट चाइल्ड माइट बी एम्प्टी टेक्स्ट नॉड. ठीक है, ये कह रहा है कि एक ब्राउजर में आप जब देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, पहला जो सबसे एलिमेंट है, पहला चाइल्ड
वो आपको मिलेगा डिफ, और दूसरे में आपको मिलेगा एम्प्टी टेक्स्ट। तो ये कोड भी डिफरेंट हो गया, सही है। जो तुम कह रहे थे ना कि कोड तो वैलिड है, लेकिन जब मैं एक ब्राउज़र के लिए कोड लिखूंगा तो मुझे थोड़ा मुख्तलिफ अंदाज़ में लिखना पड़ेगा, दूसरे के लिए लिखूंगा तो मुख्तलिफ अंदाज़ में लिखना पड़ेगा, या मुझे कोई ऐसा तरीका फिगर आउट करना पड़ेगा जो दोनों में सेम हो, इक्वल हो। जैसे गेट एलिमेंट बाई आई डी, ये दोनों में सेम है जो अभी तक हम यूज़ करते रहे, लेकिन जो नया तरीका हमने सीखा इसमें मसला हो जाएगा। देयर आर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस एज वन अप्रोच द मोज़िला डेवलपर नेटवर्क सजेस्ट अ वर्क अराउंड दैट इज ऑलमोस्ट कॉमिकल डेस, पता नहीं क्या लिखा है इसमें मुश्किल से। द प्रॉब्लम विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट फ्रॉम जावास्क्रिप्ट फॉर्मेट द मार्कअप लाइक दिस। अच्छा, कॉमिकल लिखा है इसमें, कॉमिकल का मतलब होता है कॉमिक्स जो होती है ना, बुक्स होती हैं, ऐसी स्टोरीज होती हैं जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करती, तो वो कॉमिकल इसने मजाक उड़ाया इसका, कि उन्होंने क्या बोला कि आप जो है ना इसमें एंटर जो करते हो ना कैरिज रिटर्न, वो मत करो, तो वो नॉट नहीं बनेंगे एक्स्ट्रा, ठीक है। तो कह रहा है कोड को ऐसे करके लिखो तो ये मसला हल हो जाएगा। अच्छा, ये वैसे तो इसने लिख दिया है कॉमिकल, लेकिन मैं आपको बताऊँ ये तरीका यूज़ होता है प्रोडक्शन में, प्रोडक्शन के जितने कोड होते हैं सब ऐसे ही लिखे हुए होते हैं। अच्छा, पहले तो ज़रा ये क्या बता रहा है वो देखते हैं। कॉमिकल बोल दिया इसने, अब आगे क्या लिखा है। दिस मार्कअप टेक्स एडवांटेज ऑफ द फैक्ट दैट एनी कैरियज रिटर्न टैब स्पेस दैट आर इनक्लोज्ड इन द एंगल ब्रैकेट ऑफ द टैग आर इग्नोर्ड। कह रहा है कि एंगल ब्रैकेट स्टार्ट और एंगल ब्रैकेट एंड, इसके दरमियान में अगर कोई स्पेस है ना तो उसको नहीं लेता हूँ, ठीक है। यानी डिव लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसने डिव लिखा हुआ है और डिव लिख के बाद इसको क्लोज नहीं किया इसने, एंटर कर दिया उसके बाद क्लोज किया, ठीक है, एंटर कर दिया, तो इस एंटर को नहीं लेता वो, ठीक है। अगर इस जगह पे कोई आएगा ना एंटर, यानी डिव शुरू और डिव ख़त्म के बीच में, एंगल ब्रैकेट के बीच में, तो फिर उसको ये ले रहा होता है। अच्छा, तो कह रहे ऐसे करके आप डिव लिखो, ऐसे करके आप डिप लिखो तो इस कैरियज रिटर्न को फिर वो कंसिडर नहीं करेगा। तो ये तो हो गई एक बात। अच्छा, ये जो मैं कह रहा था ना कि ये वाला तरीका प्रोडक्शन में यूज़ होता है, असल में जब हम रिएक्ट वगैरह या किसी भी फ्रेमवर्क पे कोड लिखते हैं तो उसका जो प्रोडक्शन वर्जन होता है, प्रोडक्शन वर्जन उसका, वो मिनीफाई और अगलीफाई हुआ हुआ होता है, सही है। मिसाल के तौर पर मैं गया और मैंने कोई भी वेबसाइट खोली, जैसे मेरे पास ये YouTube खुला हुआ है, ये YouTube एक प्रोडक्शन की ऐप है, मैं राइट क्लिक करूँगा तो इसका कोड ना आप देखिएगा व्यू पेज सोर्स में सिंगल लाइन में लिखा हुआ है सारा कोड, ये देख रहे हैं आप, सारा कोड सिंगल लाइन में होता है। ये खुद से नहीं किया हुआ हमने हाथ से, ये फ्रेमवर्क हमें करके दे रहा होता है। इसकी लाइब्रेरीज भी है मिनीफाई अगलीफाई की, तो असल में हम जब रिएक्ट का कोड लिखते हैं तो उसके अंदर ये एंटर होता ही नहीं है सिरे से, किसी भी टैग के दरमियान जो हम फॉर्मेटिंग तो हमारे लिए होती है ना, तो हम जब बिल्ड का बटन दबाते हैं, एक बटन प्रेस करते हैं या npm run build की कमांड चलाते हैं, ठीक है, वो अभी हम करके देखेंगे इंशाल्लाह, तो उसमें कोई एंटर नहीं होता। देखो, टैग्स के दरमियान में कोई एंटर नहीं है, ना कोई टैब है ना कोई स्पेस है। अब यानी ये कोड जो है हमारा कितने लाइन पे ख़त्म हो रहा है, 25 लाइन पे ये कोड ख़त्म है, लेकिन आप सब लोग समझदार हैं 25 लाइन का कोड तो नहीं हो सकता, यूट्यूब पूरा यूट्यूब 25 लाइन का, तो ये असल में एक लाइन में लिखा हुआ है सारा। अच्छा देखो, ये मेरा ना वो भी नहीं, ये नीचे चुनना सा एक आ रहा है, इसको मैं लेके जाऊंगा ना आगे, ये पूरा का पूरा कोड है एक लाइन में, वो लिखने के बाद इसको ऐसे करते हैं, लिखने के बाद ये वो जब एक बटन प्रेस करते हैं ना तो ये खुद ही एक लाइन में हो जाता है, ये हटा दिया जाता है स्पेस वगैरह। अच्छा, इससे दो तीन फायदे होते हैं। एक फ़ायदा तो ये होता है कि फाइल का साइज़ कम हो जाता है, जाहिर है फाइल में जितने कम कैरेक्टर्स होंगे उतना ही उतना कम फाइल का साइज़ होगा ना, तो फाइल का एक तो साइज़ कम हो जाता है इससे। दूसरा फ़ायदा ये इससे होता है कि आपका कोड देख नहीं सकता कोई, आसानी से नहीं देख सकता, ये कहूँगा मैं, देख तो सकता है खैर अल्टीमेटली, ठीक है, क्योंकि इसको रिवर्स इंजीनियर किया जा सकता है, ये जो मिनिफिकेशन हुई हुई है सिंगल लाइन में हुआ हुआ है, इसको रिवर्स इंजीनियर किया जा सकता है, लेकिन मुश्किल होता है नस्बतन, जैसे राइट क्लिक करके वैसे देख लेता है बंदा तो वो पॉसिबल नहीं है, तो थोड़ी सी मुश्किल क्रिएट कर दी जाती हैं जो लोग कोड को देखना देख रहे हैं और क्या उसके अंदर कुछ, ज़ाहिर है जब आपकी कोडिंग कोई देख लेता है कि अच्छा इस तरह से आपने किया हुआ है तो उसमें लूप होल तलाश करना आसान हो जाता है।
ऐसा ही है ना। तो एक ये फ़ायदा होता है कि कोड किसी को आसानी से समझ में नहीं आता कि आपने क्या लिखा हुआ है कोड, तो जाहिर है उसका फिर वो मिसयूज़ भी करना इतना आसान नहीं होता। और तीसरा फ़ायदा हमने अभी ये देख लिया कि ये वाला मसला भी हमारा हल हो जाता है मिनिफिकेशन से, कि इसमें जो है ना एक्स्ट्रा टेक्स नॉड नहीं बनते। अच्छा, व्हेन वाइट स्पेस इन इनसाइड ब्रैकेट द ब्राउजर डजंट काउंट द टेक्स्ट, ठीक है भाई ये बात तो होगी आगे। अच्छा ये देखो, इसने एक लाइन में ये करके बताया, कह रहे एक लाइन में भी लिख सकते हैं। अच्छा, मिनिफिकेशन का जिक्र भी किया इसने यहाँ पर, कह रहे यू कैन ऑल्सो क्लियर आउट जंक डॉम बाई मिनिफिकेशन। ये मिनीफायर की कोई लाइब्रेरी है, देखते हैं इसको क्या है ये लाइब्रेरी, कैसे खुलेगा ये। हाँ खुलिए, ये मिनीफायर है। तो अपना कोई भी हम कोड उठा के लाते हैं इसके पास, कहाँ गया हमारा वो कोड एडिटर, लास्ट क्लास में जो कोड लिखा था हमने, ये सारा कोड कॉपी करके यहाँ पे मिनीफाई करते हैं लगे। ये कोड है मेरा सारा का सारा, और मिनीफाई का बटन दबाया मैंने तो ये मिनीफाई हो गया। कह रहे इस तरह भी आप कर सकते हैं, लेकिन इस मिनीफाई में भी यार स्पेस छोड़ रहा है ये, ठीक है बकवास है। नहीं लेकिन रिएक्ट वाले में तो खैर नहीं छोड़ता, ये मिनीफायर बहुत सारे हैं। सर इससे कोई एरर नहीं आता कोड में? नहीं एरर क्यों आएगा, कोड में कुछ चेंज थोड़ी ना किया, कोड वही है। ये दिस इज मिनीफाई। एक होता है अगली फाई, अगली फाई में वेरिएबल के नाम वाम भी चेंज करते हैं, लंबे लंबे वेरिएबल के नाम होते हैं ना, उसको ए बी सी डी कर देता है। वो लगा देते हैं, वो अगर ऐसे मिनीफाई करें तो वो लगा देते हैं। और सर अगर वैसे ही हम फॉर्मेट करें कुछ लाइन वन ब्रेक हो जाए बीच में से, और हमने सेमीकोलन नहीं लगाया तो एरर आएंगे उसमें? आ सकता है एरर, आता है बिल्कुल आता है, मिनीफाई और अग्लीफाई करने में एरर भी आता है, बिल्कुल आता है। लेकिन जब हम रिएक्ट में कोड लिखते हैं तो उसमें एक स्ट्रक्ट मॉड होता है, फिर हम ES lint वगैरह इस्तेमाल करते हैं कि कहीं पे अगर लाइन टर्मिनेटर मिसिंग है ना तो हमें उसका एरर दे रहा होता है यार यहाँ नहीं लगा हुआ, तो हम उसको लगा देते हैं। बेहतर ये कि लगा दिया जाए ताकि वो उन एरर्स से बचा जा सके, ठीक है। तो जब एक्सट्रीम लेवल की हम ये चीज़ें करते हैं ना, अग्लीफिकेशन, ये तो मिनीफिकेशन में ये होता है कि जस्ट एम्प्टी स्पेसेस हटा के सिंगल लाइन में कर दिया। एक अग्लीफाई जो होता है उसमें वेरिएबल का नाम भी चेंज होता है, उसमें कोड के साइज़ को मज़ीद छोटा किया जाता है कुछ, यानी जैसे ये इसमें लिखा हुआ है ना वो स्पेशल कैरेक्टर्स आ जाते हैं सारे लाइन्स में, ठीक है। जैसे यूट्यूब के कोड में तुमने देखा होगा, ये कोड नहीं था, उसके अंदर स्पेशल कैरेक्टर्स लिखे हुए थे लाइन से, 1 2 3 5 फिर कुछ नंबर लिखे हुए थे, फिर इस तरह का, तो वो एक्सट्रीम अग्लीफिकेशन है। रिएक्ट में बिल्ट इन है सर, हाँ करनी पड़ती है, उसके बगैर काम ही नहीं होता प्रोडक्शन में, बगैर अग्लीफिकेशन बगैर मिनीफिकेशन के काम नहीं होता। सब में बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि अगर आप वो नहीं करेंगे ना तो पेज आपका बहुत देर से लोड होगा, बहुत देर लगाएगा लोड होने में, क्योंकि फाइल जो हम लिखते हैं ना वो पूरा प्रोजेक्ट हमारा पता नहीं कितने MB का हो जाता है, लेकिन उतने बड़ी वेबसाइट लोड थोड़ी होगी। तो जो प्रोडक्शन वर्जन बनता है ना उसका वो KBs में होता है, क्योंकि उसमें मिनीफिकेशन हुई भी होती है, वेरिएबल के नाम छोटे हुए भी होते हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें हटी भी होती हैं सारी। अच्छा हाँ, वेरिएबल का नाम दिया जो मुझे याद है, हाँ जब मैं उसको अग्लीफाई करूँगा तो वो तो चेंज कर दूँगा, हाँ मतलब अगर उसमें मैंने दोबारा चेंजेस करनी हो फिर नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा। मतलब क्या दोबारा चेंजेस करनी हो? सर एक वेरिएबल बनाया मैंने जैसे ABC के नाम से बना दिया, हाँ और उसको मैंने अग्लीफाई कर दिया, वो हाँ। उसको ABC को हटा के सिर्फ A लिख देगा, हाँ A लिख देगा, सही है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि ये A जो है वो मेरा ABC? तुम्हें पता लगाने की जरूरत ही नहीं है ना, तुम्हें देखने की जरूरत ही नहीं है उसको। अच्छा हाँ, तुम अपना जो कोड है ना, मेन कोड है तुम्हारा, उसमें चेंजेस करोगे तो सही। असल में जब हम बिल्ड प्रेस करते हैं ना तो बिल्ड का एक फोल्डर बनता है, उसमें नई फाइलें क्रिएट होती हैं जो अग्लीफाइड होती हैं, तुम्हारे कोड को नहीं चेंज करेगा वो, एक बिल्ड का फोल्डर होगा उसको, उसमें नई फाइलें बनाता है, तो वो फाइलें बनाता रहे जो मर्जी बनाता रहे हाँ, लेकिन उस पर टेस्टिंग होती है, जब वो एक बार बनता है ना उसके टेस्ट रन करने होते हैं सारे के, हाँ यार सही चल रहा है या नहीं चल रहा। हाँ बोलो चला जाता है ना, लाइब्रेरीज भी तो होती हैं। मूवमेंट JS का जो मूवमेंट JS का जो लिंक लगाया था हमने, वो कितने KB की फाइल थी वो?
नहीं पता, देख लेते हैं अभी। मोमेंट जेएस सीडीएन, मोमेंट जेएस सब लोग यूज कर चुके हैं ना। यहाँ पे एक लाइब्रेरी थी, वो उसमें बहुत सारे फंक्शन थे, हमने तो दो चार यूज किए थे, लेकिन थे बहुत सारे उसके अंदर। अच्छा अब उसका ना देखो ये क्या आ गया, मिन डॉट जी एस। इस मिन का क्या मतलब है, ये फाइल मिनीफाइड है, सही है। अच्छा इसको मैंने कॉपी कर लिया लिंक को, और कॉपी करके मैंने यहाँ पे आके कॉपी नहीं हुआ, पेस्ट कर दिया यहाँ पे, ये है वो फाइल, सही है। अच्छा ये फाइल कितने के बी की होगी, सेव करेंगे तो पता चल जाएगा। मैंने सेव कर लिया इसको डेस्कटॉप पे आके ना, सेव, ठीक है, शो इन फाइंडर। ये है 58 के बी की फाइल, ठीक है। 58 के बी का मतलब क्या है, इसमें कितने कैरेक्टर हो गए, एक कैरेक्टर दो बाइट का होता है ना, एक कैरेक्टर दो बाइट का होता है, तो 50,000 बाइट है इसके अंदर, 60,000 बाइट है, तो मतलब 30,000 कैरेक्टर है, सही है, 30,000 कैरेक्टर इसमें होंगे अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि मुझे नहीं पता इसमें इनकोडिंग अभी क्या है, इनकोडिंग हो सकता है कुछ और उसके अंदर, हो सकता है एक बाइट चार कैरेक्टर वाला हो, चार बाइट वाला कैरेक्टर हो। वेल तो पॉइंट मेरा कहने का ये कि अगर इस तरह की मैं लाइब्रेरीज ऐड करता चला जाऊँ, और जब एक प्रोडक्शन की जब हम ऐप बनाते हैं तो उसमें एक लाइब्रेरी थोड़ी इस्तेमाल होती है, 10, 12, 15, 50 लाइब्रेरियाँ इस्तेमाल हो रही होती हैं, ठीक है। तो फिर उसमें ये लाइब्रेरीज, ये तो बहुत छोटी लाइब्रेरी है, 58 के बी इज़ वेरी वेरी स्मॉल साइज, वरना कुछ लाइब्रेरीज 2-2, 4-4 एम बी की भी होती हैं, तो वो जब आप ऐड करते हैं तो आपके ओवरऑल साइज़ बढ़ जाता है, फिर इमेजेस भी होती हैं, फिर काफ़ी कुछ होता है उसके अंदर और भी। और हमने कौन सी लाइब्रेरी यूज़ की है, एक्सियोस, एक्सियोस npm। यहाँ पे इसका भी cdn जो हमने लगाया था, उस cdn का भी ज़रा साइज़ देख लेते हैं कि क्या है, सही है, ये है ना cdn हमारा, इसका मैंने लिंक उठाया यहाँ से, और लिंक उठा के मैंने नए टैब में इसको ओपन कर लिया। जी cdn stands forward, मुझे भी नहीं पता, cdn stands for कॉन्टेंट डिलीवरी नेटवर्क, नहीं cdn तो हम html के अंदर लगा रहे होते हैं, mdn तो Mozilla के डॉक्यूमेंट्स हैं, Mozilla डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है। ये cdn जो है हम अगर कोई दूसरे का जावास्क्रिप्ट लेके अपनी html में जब लगाते हैं तो उसको हम cdn कहते हैं, ठीक है, वरना इंस्टॉल भी होता है। मैं इस पूरी फाइल को सेव भी कर सकता हूँ और अपने फोल्डर में भी रख सकता हूँ ना, ले जाके मैं एक js की फाइल वो बना लूँ, फोल्डर बना लूँ, जैसे img बनाता हूँ, उसमें सारी जावास्क्रिप्ट पेस्ट कर दूँ ले जाके, वहाँ से लगाऊँ, वैसे भी कर सकता हूँ, दोनों तरीके से काम करता है। cdn में ये होता है कि अच्छा इसको मैं सेव करता हूँ ना, कितने के बी का ये पता तो चले, शो इन फाइंडर 21 के बी का ये, सही है, तो ये दोनों ही छोटे छोटे हैं। अच्छा तो बहरहाल इसको बंद कर देते हैं, वापस अपने बुक की तरफ लौट आते हैं। अच्छा कह रहे हैं अनदर अप्रोच इज टू फॉर्मेट योर html conventionally and let your javascript sniff out the junk node. javascript can check a node to see what type it is, element, comment and so forth. For example, the statement check if the node type is targeted node as assigned to the variable end type. अच्छा इसने कहा भाई कोई भी एलिमेंट है ना आपका, उस पर आप लगाओगे ना नॉट टाइप, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको उसकी टाइप पता चल जाएगी कि क्या है। तो आप इस तरह भी इफ एल्स भी लगा सकते हैं कि भाई अगर मैंने जो एलिमेंट अभी गेट किया है अगर उसकी टाइप क्या है, उसकी टाइप अगर टेक्स्ट है तो इसका मतलब क्या है कि Mozilla पे ओपन हुआ ही, तो आप Mozilla की तरह से ट्रीट कर लें उसको, ठीक है। इन दिस स्टेटमेंट अबव जावास्क्रिप्ट असाइन अ नंबर रिप्रेजेंटिंग द नॉट टाइप टू द वेरिएबल एंड टाइप। इफ नॉट इज एन एलिमेंट डिव पैराग्राफ, इसका होगा नंबर 1, ठीक है, जो भी जो टारगेट जो भी होगा आपका, यानी एक आपने कोई एलिमेंट उठाया, आपने कहा चाइल्ड नॉट इंडेक्स नंबर 0, आपने बोला कि ये क्या है नॉट टाइप, तो आपको 1 मिल सकता है। 1 मिलने का मतलब है कि डिव या पैराग्राफ या H1 इस तरह की कोई चीज़ है,
इफ इट इज अ टेक्स्ट नॉट इट वुड बी 3. टेक्स्ट नॉट होगा तो उसमें आपको 3 मिलेगा. ठीक है, अब 2 क्या चीज़ है ये नहीं पता, वो देख लीजिएगा. सपोज यू वॉन्ट टू रिप्लेस द टेक्स्ट कॉन्टेंट ऑफ द सेकेंड पैराग्राफ, इस वाले पैराग्राफ का जो टेक्स्ट कॉन्टेंट है वो आप रिप्लेस करना चाहते हैं, तो आप क्या लिखेंगे? आप कुछ इस तरह का कोड लिखेंगे. ठीक है, पहले इस डिव को उठाया. कैसे उठाया इस डिव को? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी हम्प्टी हम्प्टी करके इसको उठा लिया. अच्छा, डी के अंदर इसको रखा लागे. अच्छा, अब डी के अंदर लाके इसको रखा, उसके बाद क्या बोला कि काउंटर 0, एक वेरिएबल बनाया, मोस्ट प्रोबली ये काउंटिंग करेगा ये वेरिएबल, उसको रखा 0. अच्छा, और फिर उसके बाद एक चलाया फॉर लूप. फॉर लूप के अंदर इसने बोला डी जो है, जिसमें हम टी उठा के पूरा लेकर आए हैं, डी डॉट चाइल्ड नॉड्स डॉट लेंथ, के डी के अंदर जितने भी चाइल्ड नॉड है सब पे क्या करो आप, लूप चलाओ. और लूप चलाने के बाद क्या करो, इफ डी डॉट चाइल्ड नॉड इज इक्वल टू 1, ठीक है, काउंटर को प्लस करो. अच्छा, इफ 2 तो क्या करो, कुछ और कर दो. तो इस तरह करके इसने क्या किया, उस जितने भी चाइल्ड थे उसमें से काउंटिंग कर ली कि टाइप 1 वाले कितने हैं और टाइप 2 वाले कितने हैं. ठीक है, जो टाइप 1 वाले थे उसका काउंटर बढ़ा दिया, और टाइप 2 वाले पे इसने क्या किया, उसमें इसने बोला कि डॉट इनर एचटीएमएल चेंज करो, इसका डॉट इनर एचटीएमएल करके क्या करो, ऑल हिज मैन, पता नहीं ये क्या लिखा है, हम्प्टी डम्प्टी वाले पोएम लिखी शायद इसने. ठीक है, ऑल द किंग हॉर्सेस, ऑल द ड्यूट क्रू, ऑल द टाउन, वो करके कैसे है पोएम ये वाली, हम्प्टी डम्प्टी याद है किसी को? हाँ, हैड अ ग्रेट फॉल तक तो मुझे भी याद है. उसके आगे क्या है, ऑल द किंग्स हॉर्सेस, All's the dude crew, all his men. अब all his men इसमें ये add करेगा. Well, one or two इसने बताया ना कि किसी भी element के ऊपर आप लगाएंगे ना dot not type, तो आपको 1 से लेके 3 तक का एक number मिलेगा. 1 का मतलब क्या है, 1 का मतलब ये कि ये div या paragraph जैसा कुछ है, H1 है. और अगर वो टेक्स्ट नॉट होगा जो एक्स्ट्रा क्रिएट हो जाता है मोज़िला में, अगर ये वो होगा तो इसकी टाइप क्या होगी, 3 होगी. तो ये उसी को चेक कर रहा है, असल में उसको ये चेक कर रहा है कि भाई ये जो भी, यानी डी के अंदर जो सारे एलिमेंट उठा के लाया ना ये, ठीक है, तो बोलता है कि ये डी के अंदर डॉट चाइल्ड नॉट, यानी डी करके एक था ना वो हम्प्टी करके, उसमें बहुत सारे एलिमेंट हैं अंदर, उस डी पे बोला इसने चाइल्ड नॉट डॉट लेंथ, कि जितने भी चाइल्ड नॉट है उतनी बार लूप चलाओ. और उतनी बार लूप चला के क्या किया इसने, टाइप 1 वालों को क्या किया है, काउंट किया, टाइप 1 वालों को काउंट किया इसने. और टाइप 2 अगर है तो उसमें कुछ टेक्स्ट रखवा देता है उसके अंदर, कि अगर टाइप 2 है तो उसमें कुछ टेक्स्ट रखवा दो. टाइप 2 क्या चीज़ है वो उसने बताया नहीं. टाइप 2 जो है वो मेरे ख्याल है नॉर्मल वाला टेक्स्ट नॉड है. इसने शुरू में 1 और 3 बताया ना, इसने बोला 1 और 3. असल में इसकी ज़रूरत मैं पड़ जाती है कभी कभी. ठीक है, बहुत सारे काम ऐसे हैं जो गेट एलिमेंट बाय आईडी से नहीं होते हैं, इस तरह से करना पड़ता है. वेल, ये वाला जो डॉम है ना, ये रिएक्ट ने अपना बनाया हुआ है, वर्चुअल डॉम. ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट रिएक्ट के अंदर, वर्चुअल डॉम के अंदर, ये उसके अपने हैं सारे. सही है, ये जावा स्क्रिप्ट का डॉम है. रिएक्ट जो है वो इस डॉम को नहीं इस्तेमाल करता है, रिएक्ट ने अपना डॉम बनाया हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड वर्चुअल डॉम. तो वो विंडो में लोड होता है तो एचटीएमएल के डॉक्यूमेंट के ऊपर वो अपना डॉम बनाता है, फिर उसको चलाता है. वर्चुअल डॉम अब क्या चीज़ है ये हम जब वहाँ पढ़ेंगे ना फिर पढ़ेंगे, अभी तो ये डॉम पढ़ लो फिलहाल. ठीक है, यही है, वो भी थोड़ा सा वो कहते हैं, मतलब बकौल उनके वो बहुत फास्ट है उनका वर्चुअल डॉम. ठीक है, मुझे तो नहीं लगता, लेकिन वो कहते हैं कि भाई हमारा फास्ट है, लोग भी कहते हैं, तो होगा, फिर मैंने चेक नहीं किया कभी. यार फास्ट तो है उनका डॉम, क्योंकि वो जिस तरह से ऑपरेशन हो रहे होते हैं ना उसमें, उस तरह से ऑपरेशन अगर इसमें हो ना तो ये मर जाएगा, नहीं कर पाएगा उस तरह ये, क्योंकि ये जो बना हुआ है ना डॉम का जो ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है, ये आज की थोड़ी बनी हुई है, ये तो उसी वक्त की बनी हुई है जब एचटीएमएल बना था, और उस वक्त के सारे मसले हैं. मतलब जो मैं कह रहा हूँ ना नया वाला तरीका है, वो नया वाला भी उसी वक्त का ही है.
हाँ भाई क्या चल रहा है ये न्यूज़? न्यूज़ में क्या आ रहा है? अच्छा अबे क्या करोगे सपोर्ट करके, वही चेहरे हैं सारे। हाँ नहीं कोई भी हो, हल कोई भी हो। मैं अभी रिसेंटली गुजर रहा था एक कराची की एक मरकजी शाहरा, वहाँ पे अभी बीच में जो इलेक्शन की कंपेन चल रही थी तो पीटीआई के बंदे ना वहाँ पे कोई बैनर शैनर लगा रहे थे, तो वही चेहरे थे सारे, बड़ी बड़ी मूछें, बड़े बड़े बाल, खौफनाक चेहरा, वही चेहरे थे सारे। अब आप जितना मर्जी बोल लो इमरान खान अच्छा है, ग्राउंड पर तो वही पुराने ही बंदे हैं ना जो पहले किसी दूसरी पार्टी में थे, अब यहाँ आ गए। गटर का ढक्कन भी लगा रहे हैं, लेकिन मसला ये बंदे वही हैं, बंदे चेंज नहीं हुए। कोई हो ना कोई पढ़े लिखे लोग आ गए हों जो ग्राउंड पे काम करें, ऐसा नहीं है। ये बंदे सारे वही हैं जो पहले दूसरी पार्टीज़ में थे और आर्म थे, तो दोबारा हो जाएंगे आर्मी, इनके लिए कोई मसला थोड़ी है। आर्म आर्म का मतलब होता है असला होते जिनके आर्म। कितना मासूम है यार बच्चा हमारा, ये कराची में ही रहते हो ना भाई तुम। वेल छोड़ो यार अभी सियासी बातें, अभी पढ़ाई करो। अच्छा तो इसने क्या किया भाई, डॉम को चेंज करवा दिया, उसकी टाइप चेक करके करवाया कि भाई टाइप अगर टैक्स नॉट नहीं है तो ये काम करो। अच्छा मोर वेज टू टारगेट एलिमेंट, कि भाई और कौन कौन से तरीके हो सकते हैं किसी एलिमेंट को टारगेट करने के। ठीक है कह रहे हैं कि आप एक तो चाइल्ड नॉड्स था ना, कह रहा फर्स्ट चाइल्ड भी लिख सकते हो उसकी जगह, ये भी एक तरीका है। कह रहा है चाइल्ड नॉड का जो सेकंड है ये लिखा हुआ था आपने, लास्ट चाइल्ड भी लिख सकते हो आप, कि किसी भी डिव पे आपने कहा गेट चाइल्ड नॉड। ठीक है लेकिन लास्ट चाइल्ड लिखा तो लास्ट वाला मिलेगा ऑटोमेटिकली मुझे, तो ये दो चार तरीके और भी हैं। ठीक है उसके अलावा पेरेंट नॉड, ठीक है मिसाल के तौर पे मैं किसी डिव पे खड़ा हूँ, वो डिव कहाँ पर है? डायरेक्ट बॉडी के अंदर वो डिव है, एक ही डिव है, तो वो डिव अगर मैं उठा लेता हूँ किसी तरह तो उस पर जब मैं पेरेंट नॉड करूँगा मुझे क्या मिलेगा? बॉडी मिलेगा पूरा। ठीक है बॉडी पर दोबारा मैं फर्स्ट चाइल्ड कॉल करूँगा तो क्या मिलेगा? फिर वही एलिमेंट मिल जाएगा। इस तरह के ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, कोई बता सकता है? कोई यहाँ पे ऐसा है जिसको जावास्क्रिप्ट पहले से थोड़ी बहुत आती है? हारू वो आती है? नहीं आती है। मेरा सवाल ये है, देखो पेरेंट नॉड मैंने बोला ना, एक डिव है जैसे डिव टू, उसकी आईडी है डिव टू, मैंने उसको उठा लिया, मैंने कहा भाई डिव टू को उठा के ले आओ। डिव टू एक ही डिव है, बॉडी के अंदर अकेला डिव है और कोई डिव नहीं है, डिव टू उसका नाम है। मैंने डिव टू के ऊपर बोला कि पेरेंट नॉड, तो मुझे क्या मिलेगा? बॉडी मिल जाएगी क्योंकि बॉडी के अंदर है वो, डायरेक्ट बॉडी मिल गया मुझे। ठीक है बॉडी के ऊपर अब मैं दोबारा बोलूंगा क्या फर्स्ट चाइल्ड या चाइल्ड नॉट जीरो, जो भी बोल लो, तो वो डिव दोबारा मिल जाएगा मुझे। जिस डिव से मैं चला था ऊपर गया था पेरेंट पे गया था, उसी से चाइल्ड पे आऊँ तो मुझे दोबारा मिल जाएगा वो डिव। ठीक है तो इस तरह के ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं? नहीं हरा तुम समझे नहीं बात। देखो एक ऑब्जेक्ट है ना, अभी इसको उस ऑब्जेक्ट के हिसाब से सोचो जो हम जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट बनाते थे, उसमें क्या होती है कीज होती हैं, वैल्यूज होती हैं सामने, एक की है उसके अगेंस्ट एक वैल्यू है, फिर उस वैल्यू के ऊपर मैंने एक और वैल्यू कॉल की, एक और वैल्यू कॉल की ना वो घूम के यही मुझे ऑब्जेक्ट दोबारा मिल गया पूरा, यही हो रहा है ना असल में। तो इस तरह के ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं सर्कुलर ऑब्जेक्ट। सही है सर्कुलर ऑब्जेक्ट भी एक अजाब जान है। सही है तो मैं एक जस्ट वोकेबलरी बता रहा हूँ आपको कि वो उसको सर्कुलर ऑब्जेक्ट कहते हैं, ताकि कभी सर्कुलर ऑब्जेक्ट लिखा हुआ जाए तो आप कंफ्यूज ना हो, आपको बताओ कि अच्छा यार सर्कुलर ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, जिसमें एक ऑब्जेक्ट के अंदर आप एक की को कॉल करते हैं और उसके बाद आप एक और की को कॉल करते हैं तो वही ऑब्जेक्ट दोबारा घूम के आपके पास आ जाता है। मिसाल के तौर पर आपने कहा कि डिव डॉट पेरेंट, तो बॉडी मिली और बॉडी पर डॉट फर्स्ट चाइल्ड लगाया तो वही डिव दोबारा मिल गया। अच्छा ऐसे में डॉट डॉट करके पेरेंट चाइल्ड लिखता रहूँगा 10 12 15 दफ़ा तो मुझे वो मिलते भी रहेंगे।
सही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक के अंदर एक वो इतने सारे हैं, वो असल में घूम के उसी ऑब्जेक्ट के ऊपर आ जाता है पॉइंटर, हाँ एक ही चौरंगी पे घुमा देता है वो, सर्कुलर ऑब्जेक्ट। ठीक है, नॉट जेएस के अंदर सर्कुलर ऑब्जेक्ट जो है बहुत इस्तेमाल होते हैं, खासतौर पर डेटाबेसिस वगैरह से जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं ना उसके अंदर, सब चीज़ों में इस्तेमाल होते हैं, डिपेंडेंसी में भी होते हैं, सर्कुलर डिपेंडेंसीज भी होती हैं, कि एक लाइब्रेरी जो है, एक लाइब्रेरी जैसे एक्सियोस है, एक्सियोस के अंदर कुछ दूसरी लाइब्रेरीज भी इस्तेमाल होती होंगी, एक्सियोस के अंदर मोमेंट जेएस इस्तेमाल होता होगा मोस्ट प्रॉब्ली, ठीक है, क्योंकि एक्सियोस से जब रिक्वेस्ट जाती है और रिक्वेस्ट आती है तो टाइम की कुछ चीज़ें वहाँ पर होती होंगी, तो एक्सियोस ने मोमेंट जेएस को इंस्टॉल किया हुआ है अपने कोड में, और मोमेंट जेएस में भी रिक्वेस्ट लगती होगी कहीं ना कहीं, तो उसने इसको इंस्टॉल किया हुआ है। अब दोनों लाइब्रेरी ने एक दूसरे को इंस्टॉल किया हुआ है, तो इसको हम क्या कहते हैं, सर्कुलर डिपेंडेंसी, कि ये दोनों लाइब्रेरी एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, इस तरह की भी सिचुएशन हो जाती है। यानी हमारी ऐप है, हमारी ऐप में हमने एक्सियोस लगाया हुआ, और एक्सियोस किसको यूज़ कर रही है, मोमेंट जेएस को, ठीक है, फिर हमने मोमेंट जेएस अलग से भी लगाया हुआ, फिर मोमेंट जेएस वाला जो कोड है उसने एक्सियोस लगाया हुआ, तो सर्कुलर डिपेंडेंसी इस तरह भी होती है। वेल अभी ये अभी का टॉपिक नहीं है, अभी जस्ट मैंने आपके डेटा दे दिया, आपको वोकैबुलरी दी है अभी जस्ट आपको मैंने। अच्छा, यू कैन यूज नेक्स्ट सिबलिंग, प्रीवियस सिबलिंग टू टारगेट नेक्स्ट चाइल्ड और प्रीवियस चाइल्ड, ठीक है, मिसाल के तौर पे एक बॉडी के अंदर चार डिव थे, आपको पहला डिव मिल गया आपको, तो पहले डिव के ऊपर आप क्या बोलेंगे, नेक्स्ट सिबलिंग, तो अगला डिव मिल जाएगा, फिर उसके बाद बोलेंगे नेक्स्ट सिबलिंग, तो और अगला डिव मिल जाएगा। ये सारे डॉम के मेथड्स हैं, या डॉम की समझो कि कीज हैं जो आप एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट सिबलिंग और प्रीवियस सिबलिंग का कोड इन्होंने चला के दिखाया है, मेरा ख्याल है चला के देखने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल बात है कि एक डिव आपने पकड़ा है, यानी गेट एलिमेंट बाय आईडी करके आपने एक डिव उठाया, और उसका अगला डिव आपको कैसे मिलेगा, नेक्स्ट सिबलिंग करके मिलेगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट सिबलिंग करके मिलेगा तो सही, लेकिन इसमें ये बात भी आपको जहन में रखनी है कि नेक्स्ट सिबलिंग में बीच में टेक्स्ट नॉट भी हो सकता है, अगर आप मोज़िला में हो तो उसकी कंडीशन वंडीशन जो लगेगी वो अपनी जगह है, वो ख़त्म नहीं हुई है, ऐसा नहीं हो रहा है कि एक डिव और दूसरे डिव के बीच में अगर कोई एम्प्टी स्पेस है तो मोज़िला में अब वो इस केस में आपको मिलेगा नहीं, मोज़िला में आप करेंगे ना नेक्स्ट सिबलिंग तो आपको वो एम्प्टी स्पेस वाला नॉट मिल जाएगा, फिर आपको एक और नेक्स्ट करना पड़ेगा फिर वो मिलेगा असली वाला, तो इसमें इफ एल्स जो लगेगा वो अपनी जगह है, वो लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। प्रीवियस सिबलिंग में भी यही वाला केस है, अगर पीछे कोई एम्प्टी स्पेस है तो मोज़िला में वो आपको मिलेगा। अच्छा, ये हो गया भाई नेक्स्ट सिबलिंग और प्रीवियस सिबलिंग। अच्छा, गेटिंग टारगेट्स नेम, कि किसी भी नॉड के ऊपर कोई नॉड आपने उठाया है तो उस नॉड का आपको नाम वगैरह अगर गेट करना है तो वो आप कैसे करेंगे, अबे इतने सारे मैसेजेस आए हैं, पता नहीं क्या सीन है यार, नहीं वो पता नहीं, अच्छा गेटिंग टारगेट नेम, कि आपका कोई भी टारगेट है, आपने कहा गेट एलिमेंट बाय आईडी और आपने कहा डिव टू को आपने उठा के मंगवा लिया। अच्छा, अब आपको क्या करना है, उसका जो भी आपका टारगेट था उसका नाम क्या था, उसका नाम आपको निकालना है। तो कह रहा है कि पिछले चैप्टर में हमने क्या निकाला था, हमने निकाला था टाइप ऐसे करके, ठीक है। इन दिस एग्जांपल, इन द एग्जांपल अबव, ये वाले पे मतलब पिछले चैप्टर की बात कर रहे हैं, कह रहा है एन टाइप निकाला था जिसमें क्या मिलता था, 1 से लेकर 3 तक का एक नंबर मिलता था। यू कैन गेट एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट द नॉड यूजिंग नॉड नेम, सही है। अच्छा, नॉड नेम में क्या मिलेगा, द नॉड नेम ऑफ द टारगेट नॉड इज असाइंड बाई वेरिएबल नेम, अभी मिलेगा क्या ये तो बता, ये अच्छा ये मिलेगा, सही है। नॉट नेम में अगर डिव होगा तो डिव मिलेगा, पैराग्राफ होगा तो पी मिलेगा, ये नॉट नेम इस तरह आप गेट कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, टाइप भी गेट कर सकते हैं, नेम भी गेट कर सकते हैं, ये मैंने गेट करके नहीं देखा, कैपिटल ही मिलता होगा मोस्ट प्रोबली, ये मैंने गेट करके नहीं देखा कभी, क्योंकि मैं जो ज़्यादातर काम करता हूँ वो रिएक्ट पे करता हूँ, उस पर इन चीज़ों की ज़रूरत आमतौर पर पड़ती नहीं है,
उसमें तो रेंडर करने का तरीका ही बिल्कुल मुख्तलिफ है ना उनका अपना, क्योंकि वर्चुअल डॉम है। तो इस पर मैंने कभी ये चीज़ें यूज़ नहीं की हैं रियल लाइफ में। नहीं कर, देखो कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए कि यार कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। दूसरा ये कि अब सैलानी में एक बुक इन्होंने डिवाइस की हुई है जो 80 चैप्टर पता नहीं कितने उसके पढ़ने होते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो वाले चैप्टर। अदरवाइज मेरे हिसाब से तो 40 चैप्टर तक पढ़ना गुड इनफ है, क्योंकि मैं आमतौर पर शॉर्ट कोर्सेज पढ़ा रहा होता हूँ, ये लॉन्ग कोर्स है तो इसके अंदर थोड़े ज़्यादा हमें डेटा पढ़ाना पड़ रहा है। तो शॉर्ट कोर्सेज में तो मैं 40 चैप्टर भी पूरे नहीं पढ़ाता, ज़रूरत नहीं है इतना ज़्यादा पढ़ाने की, ठीक है। लेकिन आप क्योंकि वेब डेवलपर बनने जा रहे हैं तो वेब की ईच एंड एवरीथिंग आपको पता होना चाहिए वेब से रिलेटेड, तो इसलिए हम ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं। अगर आप ये नहीं भी पढ़ेंगे तो कोडिंग जब भी आप कर सकते हैं, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। अच्छा, कॉन्सेप्ट जब क्लियर होता है, आपको बेसिक्स पता होती हैं, तो कोई नई चीज़ आपके सामने आती है तो आपको समझना आसान होता है उसके लिए, ठीक है। ओके, अच्छा, नॉट की वैल्यू भी उठा सकते हैं आप। नॉट की वैल्यू का मतलब क्या है कि एक एच वन आपने पकड़ा, कहीं से भी पकड़ के मंगवाया, आप उसके ऊपर नॉट वैल्यू करेंगे तो आपको उसके अंदर जो भी वैल्यू लिखी हुई है ना वो मिल जाएगी। अच्छा, नॉट वैल्यू जो है वो इनर अटैक से भी मिल जाती है ना, वो एक तरीका हम पढ़ चुके हैं पहले, ये भी एक तरीका मौजूद है नॉट वाला तरीका, ठीक है। नॉट वैल्यू किया तो अंदर जो भी टेक्स्ट वैल्यू लिखी हुई थी वो मिल गई, ठीक है जी। अच्छा, कह रहा है इनर एचटीएमएल इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट नॉट, कह रहा है इनर एचटीएमएल भी प्रॉपर्टी है, उससे भी मिल जाता है। इन अबव एग्जांपल द नॉट वैल्यू इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द टेक्स्ट नॉट इटसेल्फ नॉट द पेरेंट एलिमेंट, ये क्या लिखा है इसने ऊपर, अच्छा ये इसने एक बात की है कुछ, ठीक है, ये H2 की कोई एग्जांपल दी है इसने कि यार एक H2 है उसके अंदर लिखा हुआ है डू नॉट हिट, और नॉट को किया हुआ है इन्होंने एम्फेसाइज, नॉट को इन्होंने एम्फेसाइज किया हुआ है, EM का टैग लगाया हुआ है उसके अंदर। इन द अबव एग्जांपल EM इज एन एलिमेंट विच मींस इट्स वैल्यू इज नल, इट्स पॉसिबल टू कन्फ्यूज द नॉट वैल्यू ऑफ अ टेक्स्ट नॉट विद इनर HTML प्रॉपर्टी, कह रहे हैं कि एक तो होती है इनर HTML, अच्छा, और एक होता है क्या भाई आपका नॉट वैल्यू। नॉट वैल्यू जो है वो कह रहे हैं एम्फेसाइज की ना नल है, कुछ भी नहीं है, सही है, ऐसा कुछ इसने बताया है। अच्छा, अब कह रहे हैं कि इनर HTML इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट नॉट, ठीक है, एक नॉट होते हैं जो एलिमेंट नॉट होते हैं। अच्छा, एच टू, जैसा कि एच टू एलिमेंट नॉट है, इन द अबव एग्जाम्पल द नॉट वैल्यू इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द टेक्स्ट नॉट इट सेल्फ नॉट द पेरेंट एलिमेंट, ठीक है। जब मैं ई एम का जब मैं टैग उठा लेता हूँ क्वेरी मार के कुछ भी करके, उस पर मैं नॉट वैल्यू लगाता हूँ तो उसके ई एम के नॉट की वैल्यू मिलती है मुझे। इनर एस्टीमेट इंक्लूड ऑल द डिसेंडेंट ऑफ द एलिमेंट इंक्लूडिंग द इनर एलिमेंट्स नॉट लाइक ई एम वगैरह एवरीथिंग, कह रहे हैं कि जब आप इनर HTML लिखते हैं, जैसे H2 के ऊपर आएंगे आप और H2 का इनर HTML जब आप गेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, पूरा मिलेगा डू नॉट हिट। हालांकि नॉट जो है वो H2 के अंदर नहीं लिखा हुआ, वो H2 के अंदर एक दूसरा एलिमेंट है उसमें लिखा हुआ है वो, लेकिन आपको जब H2 की वैल्यू गेट करेंगे आप इनर HTML से तो पूरा मिलेगा आपको वो। अच्छा, और क्या बताया इसने, इन द फॉलोइंग कोड The inner HTML of H2 element is highlighted. कह रहा है inner HTML जब आप get करेंगे ना तो पूरा मिलेगा इतना, ठीक है। अच्छा, in the following code, the not value of the first child of H2 element is highlighted. On other hand, इसने distinguish किया है कि आपने अगर H2 उठा लिया और H2 का आपने क्या उठाया, not value उठाई, सही है, first not या जो भी first child उठाया, तो आपको सिर्फ do मिलेगा, ठीक है, सिर्फ डू मिलेगा, क्योंकि पहले एच टू है, फिर एक टेक्स्ट नॉड है, फिर ई एम है, फिर ई एम का टेक्स्ट नॉड है, फिर एक और टेक्स्ट नॉड है, फिर एच टू ख़त्म है वहाँ पर। तो इसमें एक्चुअली तीन टेक्स्ट नॉड है, एक दो और तीन, तो फर्स्ट चाइल्ड में आपको ये पहला वाला डू मिलेगा सिर्फ, ठीक है। अच्छा, नॉड नेम से कुछ लोअर केस करके क्या किया इसमें, एच रफ, एच रफ,
अच्छा, सिंस देर आर सिचुएशन इन द नॉट नेम गेट्स यू, फॉर एग्जाम्पल अ पी इंस्टेड ऑफ कैपिटल पी एंड एच रेफ इंस्टेड ऑफ एन कैपिटल एच रेफ, इट्स गुड प्रैक्टिस टू स्टैंडराइज द केस व्हेन यू आर टेस्टिंग फॉर द नेम्स. अच्छा, जैसे तुमने कहा था ना कि सर वो कैपिटल में मिलेगा नाम या स्मॉल में मिलेगा, तो इसने कहा है कि भाई कैपिटल स्मॉल के चक्कर को छोड़ो, आप जब भी इसको चेक करने लगो ना तो लोअर केस लगा लिया करो. सही है, आई एम जी कैपिटल में मिला है या स्मॉल में मिला है, आप लोअर केस लगा के करो ताकि पूरा लोअर केस में आके फिर चेक हो आपके पास, ताकि किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन उसमें ना रहे. अच्छा, इफ द नॉट नेम वाज ओरिजिनली अपर केस द कोड विल चेंज इट टू लोअर केस. अच्छा, अगर पहले से लोअर केस है तो नो हार्म, कोई भी चीज चेंज नहीं होगी उसमें. If you are checking a node name to see if a node is a text node, converting to lowercase isn't necessary because the name of a text node is always small letter, never capital letter. ठीक है, text node का जो नाम है वो हमेशा आपको small में ही मिलेगा. ठीक है, text node के अलावा जो node है जैसे paragraph, H1 वगैरह, ये element node है, इसका नाम आपको capital में भी मिल सकता है कुछ cases में, ऐसा इसने बोला है, खदशा जाहिर किया है. तो इसीलिए कह रहे हैं कि एलिमेंट वाले का हमेशा लोअर केस कर लो पहले. अच्छा, तो मेरा ख्याल है बस डॉम में इतना ही था हमारे. काउंटिंग एलिमेंट्स 64 है ना ये. अच्छा, अभी जो आपके 65 चैप्टर्स हैं उसका टेस्ट अभी होगा आपका, अभी मतलब एक दो दिन में. हाँ, इस फ्राइडे को, इस फ्राइडे को डेट, इस फ्राइडे को क्या डेट है, 23 है ना. हाँ, कल होगा, कल एक मिनट में देख लेता हूँ. असाइनमेंट का तो नहीं पता मुझे. ट्रेनर 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 एक मिनट. 29 नहीं, 29 ऑन वेनसडे 24/8 वी आर रेडी टू क्विज 3. 24 कब है, 24 परसों. हाँ, तो परसों है टेस्ट, तो क्लास के टाइम पे टेस्ट होगा आपका, फिर अगर टेस्ट के बाद टाइम बचा तो क्लास भी कर लेंगे. अच्छा अच्छा, अभी इसमें ये जो 64-65 है ये भी सिंपल ही है, डॉम में कोई इतना बड़ा कोई तुर्रम खान चीज़ है नहीं. ठीक है, वो अभी शुरू शुरू में लग रहा है क्योंकि हम एक चीज़ पहले किसी दूसरे तरीके से पढ़ चुके हैं, वही उसका एक दूसरा तरीका बताया जा रहा है, तो कोई लेकिन इतना मसला है नहीं. अब काउंटिंग एलिमेंट में ये क्या करेगा, काउंटिंग एलिमेंट में यही करेगा कि तमाम नॉड उसके गेट करेगा, उस पर लूप चला के चेक करेगा कितने एलिमेंट नॉड है, और क्या करेगा. मैंने अभी देखा नहीं है कि इसमें क्या कर रही है. टेस्ट में 65 चैप्टर का टेस्ट है, नहीं वन से नहीं, जो से बोला था लास्ट से. अब मुझे नहीं पता जो, हाँ बस वन से ही होगा. पर यार मेरा असल में ये मसला नहीं है, ये सैलानी वाले लेते हैं टेस्ट, ये उनका मसला है. नहीं, ये तो आपको पता है ना कि जावास्क्रिप्ट के जैसे ही कुछ चैप्टर कंप्लीट होते हैं तो टेस्ट होता है उसके बाद, ये तो पता है ना आप लोगों को. अच्छा, ये मुझे भी नहीं पता कि टेस्ट फाइनल है या नहीं है, मैं जरा एक मैसेज भी छोड़ देता हूँ. अस्सलाम वालेकुम यार, वो मुझे ये बताइएगा कि टेस्ट 24 को हमारा फाइनल है, क्योंकि स्टूडेंट्स को बताया नहीं अभी तक मैंने, बता देता हूँ जरा ग्रुप में फिर. सही है, अभी आ जाएगा उनका मैसेज तो बता दूंगा फिर उन ग्रुप में. हाँ यार, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो अभी 64 चैप्टर है इसमें क्या लिखा हुआ है, काउंटिंग एलिमेंट्स, तो एलिमेंट को वो काउंट कैसे करेगा, सारे चाइल्ड गेट करेगा, सारे चाइल्ड गेट करके चाइल्ड का कौन कौन से टाइप के चाइल्ड होते हैं, एक एलिमेंट नॉड, एक टेक्स्ट नॉड और एक एक्स्ट्रा टेक्स्ट नॉड, यही है ना, 1 से 3 तक होता है. वो देखेगा कि नंबर 1 वाले कितने सारे हैं, टाइप 1 जिसकी है वो कितने हैं, बस जिसकी टाइप 1 से मैच कर रही है. अच्छा, लेकिन वैसे इसने शायद कोई दूसरा तरीका किया हुआ है.
अच्छा इसने ये किया हुआ है कि कितने इसमें एम टी है और कितने आई एम जी है, ये इसने चेक किया हुआ है। देखो ये लूप है, इस लूप को देखो कि क्या किया हुआ है इसने, नंबर पिक्चर्स एक वेरिएबल बनाया, उसके बाद क्या किया इसने, सारे चाइल्ड उठा लिए, सारे चाइल्ड उठाने के बाद उस पर लूप चलाया, और लूप चला के इसने क्या बोला, इसने बोला नॉट लिस्ट का इंडेक्स आई उसका नॉट नेम डॉट लोअर केस अगर इक्वल इक्वल्स है आई एम जी के तो क्या करो मेरे काउंटर में प्लस प्लस कर दो। तो ये लूप जब कंप्लीट होगा तो मुझे पता चल जाएगा कि जो एलिमेंट उठाए थे मैंने उसमें से आई एम जी वाले कौन कौन से हैं, ये मुझे पता चल जाएगा। तो ये तो ऊपर पढ़ा चुका है ना, ये सिर्फ उसकी एक पॉसिबिलिटी बता रहा है एक्स्ट्रा, ऐसी कोई नहीं, वो भी नहीं है कि बिल्कुल नया टॉपिक। अब देखो ये ख़त्म भी हो गया है, यहाँ पे ख़त्म हो गया ना, इसमें ये एक लूप ही बताया है इसने सर 64 में, अब 65 भी ऐसे ही होगा आखिरी। एट्रीब्यूट्स, अब एट्रीब्यूट में क्या है, इसने बोला है कि टेक अ लुक एट दिस बिट ऑफ मार्कअप, कह रहा है कि इस मार्कअप को ज़रा देखें आप और से, क्या है ये मार्कअप, कोई नई चीज़ तो नहीं है ना, वही है एंकर टैग है जो हम शुरू से लगाते हुए आ रहे हैं। कह रहा है यू हैव लर्न दैट इन अबव मार्कअप टेक्स्ट नॉट शॉप, ये इसका टेक्स्ट नॉट है ना, इसके अंदर एंकर टैग के अंदर टेक्स्ट जो है वो शॉप है, सही है। कह रहा है ये आपने सीख लिया है कि शॉप जो है इसका जो टेक्स्ट नॉट है इज द फर्स्ट एंड ओनली चाइल्ड ऑफ दैट एलिमेंट नॉट, कह रहा है कि एंकर टैग है उसका एक चाइल्ड है वो टेक्स्ट नॉट है, शॉप लिखा हुआ है ये हमने सीखा था, ठीक है, एक ही चाइल्ड नॉट है इसका। बट वट इज एच रेफ, कह रहा है एच रेफ फिर कहाँ गया, एच रेफ भी तो इसका कहीं ना कहीं होगा ना, तो इसने बोला कि भाई इट्स डेफिनेटली अ नॉट ऑफ द डॉम एंड यू कुड से दैट इट्स सबसाइडरी टू एंकर टैग, कह रहा है उसका चाइल्ड नहीं है लेकिन मौजूद है वो भी सबसाइडरी के तौर पे मौजूद है, बट इट इज़ नॉट अ चाइल्ड, सबसाइडरी है चाइल्ड नहीं है। अच्छा वेन एवर यू सी दिस फॉर्म, कह रहा है कि जब भी कोई एट्रीब्यूट लगा हुआ देखते हैं आप किसी एलिमेंट पे तो वो क्या होता है, यू आर लुकिंग एट द एलिमेंट विद एन एट्रीब्यूट, ये एट्रीब्यूट कहते हैं इस चीज़ को, एच रेफ जो है वो एट्रीब्यूट है, हम जानते हैं ये बात। द इक्वल साइन एंड द कोड्स आर द टिप ऑफ, ठीक है, कह रहे हैं वो इक्वल टू लगाते हैं ना जो, और वो डबल कोटेशन लगाते हैं, वो इसलिए लगाते हैं कि वहाँ पे कोड अच्छी तरह लिखा जा सके। द वर्ड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वल साइन इज एट्रीब्यूट नेम, और राइट साइड पे जो है वो क्या है, एट्रीब्यूट वैल्यू। मिसाल के तौर पे आप जब कोई पिक्चर लगाते हैं तो आप उसमें लिखते हैं विर्थ इक्वल्स टू 200 पिक्सल, तो विर्थ जो है वो क्या है, एट्रीब्यूट नेम है, और 200 पिक्सल एट्रीब्यूट वैल्यू है, ठीक है। तो ये हम शुरू से जानते हैं, HTML के ज़माने से हम ये बात जानते हैं, कोई नई चीज़ तो नहीं पढ़ा रहा ना इसके अंदर ये। अच्छा तो देखते हैं आगे क्या बोलता है अभी, इसने बोला कि भाई अपना मैंने नीचे आपको एग्जांपल दी है, जितने भी एट्रीब्यूट्स की वैल्यू थी उसको लाल करके बताया हुआ है, देखो सही बताया ना इसने, ID एक एट्रीब्यूट है उसकी वैल्यू ये, क्लास एक एट्रीब्यूट उसकी वैल्यू ये, SRC एक एट्रीब्यूट उसकी वैल्यू ये, स्टाइल भी एक एट्रीब्यूट हो सकता है जिसकी वैल्यू ये हो सकती है, ठीक है। अच्छा फिर इसने बोला कि एन एलिमेंट, यार ये बंद कैसे होगा, साइड वाला बार, व्यू साइड बार बड़ा मसला कर रहा है जब से। अच्छा कह रहे एन एलिमेंट कैन हैव एनी नंबर ऑफ एट्रीब्यूट, कह रहे एट्रीब्यूट एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, मिसाल के तौर पे एक IMG का एलिमेंट है उस पर एक एट्रीब्यूट है SRC, एक एट्रीब्यूट है अल्टरनेट टेक्स्ट, एक है हाइट, एक है विड्थ, तो चार एट्रीब्यूट हो गए किसी एलिमेंट में, कह रहे हैं एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, चार पाँच छः दस भी हो सकते हैं। अच्छा फिर इसने क्या बोला है, यू कैन फाइंड आउट वेदर एन एलिमेंट हैज़ अ पर्टिकुलर एट्रीब्यूट विथ हैज़ एट्रीब्यूट प्रॉपर्टी, ठीक है, कह रहे हैं एक फंक्शन आपके पास है, अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि कोई भी एलिमेंट जैसे एक IMG है उस पे अल्टरनेट टेक्स्ट का एट्रीब्यूट मौजूद है या नहीं है, आप इसको कैसे चेक कर सकते हैं, हैज़ एट्रीब्यूट का एक फंक्शन, एक मेथड, एक प्रॉपर्टी आपके पास मौजूद है जिसके ज़रिए आप चेक कर सकते हैं। अब देखो इसने क्या किया, इसने बोला डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID P1, एक P1 के नाम से कोई था एलिमेंट, ID थी P1, वो उठा के ले आया, उसको लागे कहाँ रखा, एक टारगेट नामी
वेरिएबल के अंदर उसको लाके रख लिया। फिर बोला टारगेट डॉट हैज एट्रीब्यूट क्लास, कि क्या जो पी वन का पैराग्राफ में उठा के लाया हूँ उसमें क्लास का कोई एट्रीब्यूट मौजूद है क्यों? ठीक है, तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, ट्रू या फॉल्स देगा, मे बी, देखते हैं क्या देता है। अच्छा, लाइन नंबर वन, ये अब कोड को एक्सप्लेन कर रहे हैं क्या लिखा है। ठीक है, लाइन नंबर वन कह रहा है द एलिमेंट टू अ वेरिएबल टारगेट, लाइन टू चेक, अच्छा लाइन टू हो गया, ठीक है। अच्छा, कह रहा है कि अगर उसमें हैज क्लास में वो क्लास मौजूद हुई तो ट्रू देगा, और अगर नहीं मौजूद हुई तो फॉल्स देगा, ठीक है, बूलियन रिटर्न करेगा वो। अच्छा, अब ये तो पता चल गया कि वो एट्रीब्यूट उस पर मौजूद है, लेकिन उसकी वैल्यू कैसे गेट होगी। वैल्यू गेट करने के लिए गेट एट्रीब्यूट का एक दूसरा मेथड है, ठीक है। कोई भी एक डिव उठाया, टारगेट के वेरिएबल में आ गया, अब टारगेट डॉट गेट एट्रीब्यूट क्लास, तो क्लास की जो भी वैल्यू होगी वो मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा, सेट एट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जाहिर है जब गेट कर रहे हैं तो सेट भी कर सकते हैं, सेट एट्रीब्यूट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे किसी बटन के क्लिक पे आपने बोला कि ये पूरी इमेज को क्या कराना है, वाइब, तो बटन के क्लिक पे आप क्या करेंगे, उस इमेज को गेट करेंगे, उस इमेज में सेट एट्रीब्यूट क्या करेंगे आप, स्टाइल, और स्टाइल के वैल्यू में क्या रखेंगे आप, विजिबिलिटी हिडन, ठीक है, या पहले से कोई क्लास अगर बनी हुई है हिडन तो वो ऐड कर देंगे जस्ट सिंपली। तो ये इसकी ज़रूरत बहुत पड़ सकती है आपको। तो सेट एट्रीब्यूट करके आप किसी एट्रीब्यूट को चेंज भी कर सकते हैं और नया एट्रीब्यूट ऐड भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे क्लास पहले से एक एट्रीब्यूट है, उसको आप जाहिर है जो भी वैल्यू थी पुरानी वो हटा के एक नई वैल्यू रखवा सकते हैं, तो चेंज हो गया। अगर पहले से मौजूद नहीं था अल्टरनेट टेक्स्ट तो आप ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई स्टाइल उस पर ऐड कर सकते हैं, विड्थ हाइट वगैरह जो भी एट्रीब्यूट हो सकते हैं वो आप सारे लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसने बोला भाई हमने क्या किया, हमने बोला एक उठाओ डिव वन, उसका सेट एट्रीब्यूट करो क्लास और स्पेशल लगा दो, स्पेशल के नाम से कोई क्लास थी वो उसमें लगा दो, तो उसका रिजल्ट कुछ इस तरह का हो जाएगा। फिर उसमें ये क्लास आ जाएगी स्पेशल, पहले तो सिर्फ आईडी थी ना, अब क्लास भी आ जाएगी उसमें, ठीक है। तो ये आपका हो गया चैप्टर नंबर 65, सही है। अब आपके पास कितने हैं, 48 घंटे हैं, 48 घंटे का अल्टीमेट है, ठीक है ना। आज 22 अगस्त है, 23 और 24, 24 और 24 48 होते हैं। 24 को किस चीज़ का पेपर है, हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ, 24 को शाम को है ना पेपर, रात को है, 9 बजे पेपर है रात को, 22 तो गई ना, लेकिन 23 पूरी मौजूद है ना। आज रात 11 से लेके 23 की जो रात 11 होगी कितने घंटे हुए, 24 घंटे, फिर 23 की रात 11 से लेके 24 की रात 9 तक 48 घंटे, तो कुछ कम है शायद 45 घंटे। The clock is ticking. Tick, 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 tick. 45 hours remaining. हाँ, अच्छा असाइनमेंट क्या दिया जाए आज का? टेस्ट तो होते रहेंगे, टेस्ट तो टेस्ट से थोड़ी होगा, जॉब टेस्ट से थोड़ी मिलेगी। टेस्ट तो इसलिए है कि आप सैलानी में आपको रखना है या भगाना है घर, वो टेस्ट तो इसलिए उनका क्राइटेरिया सैलानी वालों का। जॉब मिलने का क्राइटेरिया थोड़ा सा मुख्तलिफ है, टेस्ट भी है, है? अच्छा भाई कितने लोग हैं जिन्होंने लॉग इन साइनअप वाला जो मैंने कोड लिखा था लास्ट टाइम वो अपने हाथ से लिख लिया, वो ज़रा जल्दी से अपने अपने लिंक भेज दें। sysborg.com क्लास आईडी है वेब, एंटर, ठीक है। लास्ट वाला तो देखो ना क्या किया तुम लोगों ने, आते ही क्लास में मैंने सोचा था देखूंगा, फिर मैं इनशाला छोड़ो बाद में देखेंगे। वो बहाने शुरू हो गए भाई, बहाने नहीं दिखे, मैंने आपके आते ही साथ सवाल करे थे, मैंने तो प्रॉब्लम फेस करी थी, आपको बताया नहीं, प्रॉब्लम तो फेस की थी तुमने, वो तो सही है बात सर, कोड मैंने करा ईमानदारी से, खुद को बोलूंगा यार, मैं बात कर सवाल पूछ, बस कर।
अस्सलाम वालेकुम सर, वो लास्ट मैसेज में हमने ये डिस्कस किया था ना कि हम तमाम स्टूडेंट एक साथ लेंगे, सो आप मुझे बताएं कि आपको कोई क्लास मस्जिद चाहिए तो बताएं, कल की हम क्लास कर लेते हैं 9 to 11 की, सर हैदर की क्लास की बात करें, क्योंकि हम तमाम स्टूडेंट के एक साथ ही क्विज करें तो अच्छा हो जाएगा।